वॉच लगा देना चाहे। गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज की सुबह बड़ी ठंडक भरी है, खासकर दिल्ली में। अभी सुबह सुबह जब बारिश शुरू हुई तो मुझे ये लगा कि आज की वीकेंड क्लास लग रहा है नहीं हो पाएगी, लेकिन कही वो बारिश बहुत नॉमिनल थी, बहुत थोड़ी देर हुई और उसके बाद जो है वो ठंडक का मौसम अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, एक ऐसा मौसम आया है जिसमें आप बहुत जल्दी रजाई के अंदर हैं, और रजाई के अंदर जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि पढ़ाई लिखाई पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ने लगता है। पढ़ने लिखने का वैसे तो मैं कोई ये नहीं मानता हूं कि हाँ एक समय का जो है वो निश्चित कालक्रम आप बना लें कि सुबह ही उठना है या फिर शाम को देर तक नहीं पढ़ना है। जो भी है, सबके अपने पढ़ने के रूटीन अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन खासकर मैं इस मौसम की बात करूं तो इसमें सुबह उठना बड़ा अपने आप में बोझिल और भारी भरकम लगता है। खासकर अलार्म सेट करके अगर आप रख भी दीजिए तो जैसे मॉर्निंग में अलार्म बजता है, रजाई से हाथ बाहर निकलता है, अलार्म बंद हो जाता है और उसके बाद फिर ये होता है कि जो टाइम टेबल है वो कल से लागू करेंगे। ऐसे करते करते पूरा विंटर सीजन निकल जाता है। तो इससे थोड़ा सा आप बचने का प्रयास करिएगा। अपने पढ़ाई लिखाई का जो रूटीन है उसको मेंटेन रखिएगा, अपने खाने पीने की हैबिट को बेहतर बनाकर रखिए, साथ में सोने का रूटीन रखिए, प्रॉपर तरीके से सारे रूटीन को फॉलो करिए जिससे पढ़ाई का रूटीन बिगड़े नहीं, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि पढ़ाई का रूटीन सबसे ज्यादा सफर करता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि नियमित रूप से क्लासेस जो है लेते रहें और साथ में जो अपने पढ़ाई लिखाई की दिनचर्या थी उसको इस मौसम के कारण बाधित ना होने दें। तो जितने भी बच्चे जो है वो लाइव क्लासेस में जुड़ चुके हैं, इन सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, वेरी गुड मॉर्निंग। और किसी भी तरह की औपचारिकता में ज्यादा समय में ना देकर सीधे टॉपिक से शुरुआत करूंगा, लेकिन अभी जो बच्चे जुड़ चुके हैं या जो आने वाले समय के साथ, यानी कि जो क्लासेस आपकी रेगुलर अभी चल रही हैं, ये लाइव बैच जीएस का फाउंडेशन लाइव बैच है, तो इसमें आप जो भी बच्चे लगातार जुड़ते जाएंगे उनको मैं एडवांस में विशेष देता हूं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इसके साथ साथ यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि बीच में, हाँ बिल्कुल, राज मेहरा जी ने कहा कि सर रजाई के अंदर भी पढ़ सकते हो, तो राज मेहरा जी अजमा के देखिए कि आप कितना तन्मयता के साथ पढ़ते हैं। पढ़ने लिखने का एक डिसिप्लिन होता है, डिकोरम होता है, आप रजाई के अंदर जब पढ़ेंगे तो कितना तन्मयता होगी वो आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिएगा। चलिए, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। और फिर मैं यही कह रहा था कि हम लोग किसी भी तरह की औपचारिकता पर ज्यादा समय नहीं देंगे। बच्चों, आपका समय बहुत कीमती होता है, इस बात को आप समझें। और हम लोग यहां पर सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, श्रेया राय जी, चंदन मौर्य जी, विराट मलिक जी, चंदन मौर्य, राज मेहरा, मनीष मीना, जो भी बच्चे हैं, मैं सभी का नाम यहां नहीं ले सकता, कई बार बच्चे माइंड कर जाते हैं, लेकिन माइंड मत करिए, आप सब मेरे लिए बहुत अजीज हैं, बहुत प्रिय हैं और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम लोग यहां पर जो 2 घंटे का सेशन लेकर आते हैं उसका पर्पज होता है ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जाए, पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व हुआ जाए और इस टाइम को कहीं ना कहीं जो है यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल राज मेहरा जी, मैं शुरुआत कर, तो कल की क्लास मैंने जहां पर छोड़ी थी मैं एक बार उसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। आप सभी को पता है, जैसे आपको एडवांस में बात मालूम ही होगी कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर आज मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर एक तरीके से वो बहुत इंट्रोडक्टरी था जिसमें मैंने वो जीएस के बारे में या फिर इसके अलावा ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में आपको समझाया था, तो उसको आप टॉपिक से मत जोड़िएगा। बाकी जो 2 लेक्चर हुए, यानी कि कल जो हुआ और एक जो आज हो रहा, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पर अभी तक 1 लेक्चर हुआ जिस पर आपने कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी और इसके साथ साथ मैंने पृथ्वी के सतह के बारे में बात की, जलीय भाग और स्थलीय भाग के बारे में बात की। तो वो सारे डेटा जो कल डिस्कस हुए थे, उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी होगा। तो इसी संदर्भ में एक बार पुनः आप सभी से प्रश्न पूछ लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी का जो है सतह है उसमें एशिया जो है वो लगभग कितने % क्षेत्र पर फैला हुआ, फिर से प्रश्न को समझिए।
जो हमारे अर्थ का सरफेस एरिया है उसके कितने परसेंट पार्ट पर एशिया कॉन्टिनेंट लाई करता है। तो ये मैंने आपको कल के डिस्कशन में बताया भी था, दोबारा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ रिवीजन के तौर पर आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी आंसर अब दे सकेंगे। क्योंकि मैंने ये कहा था कि आप सब क्या पढ़ते, एशिया महाद्वीप का जो है वो विश्व में अगर हिस्सा देखा जाए, वर्ल्ड में उसका अगर शेयर देखा जाए, तो आप सब इस चीज को भी जानते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, विश्व में उसका हिस्सा कितना है, तो भी आंसर कर ले। मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपसे पूछा कि पृथ्वी की कुल सतह में एशिया जो है वो कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो कल के डिस्कशन से आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए अब आज का जो हमारा डिस्कशन होने जा रहा है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां पे मैंने कल वाली क्लास छोड़ी थी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एशिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, यानी एशिया के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर जो है एशिया कॉन्टिनेंट से शुरुआत हुई थी, जिसमें आपने कल बेसिक बातें केवल जानी थी। जैसे एशिया को मैंने कहा था कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है, विरोधाभासों का महाद्वीप। क्यों विरोधाभासों का महाद्वीप कहते हैं यह आपने समझा था। तो एशिया के जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पर बात चल रही थी, फिर हम लोग उसके जो है ग्लोब पर पोजिशन पर आ गए थे, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर बात हुई थी। इसको मैं बहुत ब्रीफ में आपको रिवाइज करा देता हूं और फिर सीधे आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी बच्चों को कम से कम ये चीजें तो कंफर्म ही है कि हम जब ग्लोब पर किसी भी प्लेस की या किसी भी एरिया की लोकेशन को फाइंड करते हैं या निर्धारित करते हैं, लोकेट करते हैं, तो आप जानते हैं इसके लिए दो तरह के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो आप जानते हैं पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा 0 डिग्री पर, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के पैरेलल ही इस तरह की जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हैं, अक्षांश, लैटिट्यूड। ये बेसिक बातें आप लोग जानते हैं और उम्मीद करता हूं आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरा कमिटमेंट है कि आपको जियोग्राफी जब मैं संपूर्ण पढ़ा दूंगा, कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी में आपको मैं ये अक्षांश और देशांतर भी बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, अभी वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी पर डिस्कशन चल रहा है। तो अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो आप जानते हैं कि इस तरह की जो भी हॉरिजेंटल लाइंस, पैरेलल लाइंस हैं ग्लोब पर, जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं, उन्हीं को कहा जाता है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी को इन अक्षांशों के आधार पर, राज मेहरा जी का अब जाकर आंसर आया 30%, यह आंसर सही नहीं है, इसको करेक्ट करिए, क्योंकि कल की क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था, आज फिर आप गलती कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल जो मैंने आपको चीजें समझाई है उसको ध्यान से देखिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो अक्षांश है इसके आधार पर अगर आप देखें, विशेषकर विषुवत रेखा के आधार पर पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटा गया। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको आप कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के जो साउथ में है इसे आप कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। ये मैं इसलिए बातें बता रहा हूं कि जब हम लोग एशिया को अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी लैटिट्यूडनली देखते हैं, तो क्या कहते हैं कि एशिया लगभग पूर्णतया किस गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर, हां सोनम जी आप क्या पूछ रहे हैं, अच्छा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो फॉर्मेलिटी पर नहीं ध्यान दे पाऊंगा, इसलिए आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि क्लास इंटरप्ट होती है, टॉपिक के बियॉन्ड हम लोग चले जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है टॉपिक पर ही फोकस रहे। तो सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जो भी बाद में जुड़ेंगे या जो अभी जुड़े हुए हैं, आप क्लास पर ही फोकस रहे। तो मैं ये कह रहा था कि एशिया उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एशिया के अगर कुछ द्वीप समूह, जैसे इंडोनेशिया को भी हम ले लें या फिर इसी मालदीव को ले लें, तो आप पाएंगे कि एशिया का कुछ हिस्सा जो है सदर्न हेमिस्फीयर तक एक्सटेंड है। तो लगभग एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन इंडोनेशिया के आइलैंड को भी ले ले तो यह सदर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध तक। और इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि एशिया की जो उत्तरी
सीमा मैंने बताई थी अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ तक जो है एशिया का विस्तार मिलता उत्तर में। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में यानी इंडोनेशिया को लेकर चले तो लगभग कह सकते हैं कि 10 डिग्री और 50 मिनट साउथ जो है लैटिट्यूड तक एशिया का विस्तार है। यानी इस दक्षिणी अक्षांश तक, इस उत्तरी अक्षांश तक एशिया उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, और ये चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देशांतर भी आप समझते हैं, यानी फिर एक बार ग्लोब पर आप देखें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाती है। 0 डिग्री को अगर हम यहां पर प्राइम मेरिडियन मान लें, प्रधान यामोत्तर मान लें, तो इसके आधार पर जितनी भी इस तरह की जो है वो वर्टिकल लाइंस खींची जा रही हैं। यानी एक तरीके से जो आप देख रहे हैं कर्व होती हुई लाइन ड्रा की गई है, इन्हीं को कहा जाता है देशांतर, या इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एशिया के वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को समझने के लिए बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए। तो 0 डिग्री के बेस पर, जो 0 डिग्री का देशांतर, इसके आधार पर आप जानते हैं फिर से हम अपनी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, और जो ये हिस्सा है इसी को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी के कुल मिलाकर के अगर आप देखें अक्षांश के दृष्टिकोण से दो गोलार्ध है। इस संदर्भ में आपको क्या बताया था कि कहीं ना कहीं अक्षांशीय विस्तार जब भी एशिया का पूछेंगे तो आंसर होगा कि एशिया की जो यहां पर मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीप समूह भी है वो 77 डिग्री 43 मिनट से लेकर 10 डिग्री 50 मिनट साउथ तक, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ध्यान रखना है। इसमें इंडोनेशिया के आइलैंड भी इंक्लूड है। तो लगभग एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। बहुत अच्छे से कल की क्लास में मैंने समझाया था, उसी को मैंने रिवाइज कर दिया। अब देशांतरीय दृष्टिकोण से जब मैं बता रहा था तो आपसे कह रहा था मैं कि आपको शायद याद भी होगा पिछली क्लास में कि एशिया का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया दिखाई देता है। यानी लगभग एंटायरली मैं बात कर रहा हूं, यानी संपूर्ण एशिया आप पाएंगे पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन इसका कुछ हिस्सा है जो पश्चिमी गोलार्ध की तरफ भी है। हमारी पृथ्वी गोल है तो जब हम इधर से आगे बढ़ते जाते हैं तो इसी हिस्से में फिर आते हैं, और यही कारण है कि जैसे आप रूस के साइबेरियाई जमीन पर पहुंचते हैं और साइबेरिया में आप जो है बिल्कुल पूर्वी सिरे की ओर बढ़ते हैं तो आप पाएंगे पश्चिमी गोलार्ध में पहुंच जाएं। तो बहुत छोटा सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा। अदरवाइज जो यहां पर एशिया है वो देशांतरीय दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं लगभग पूर्वी गोलार्ध में। और अगर आप देखें तो देशांतरीय दृष्टिकोण से आप पाएंगे कि ये 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से शुरू होता है। टर्की के पास मैंने कहा था जो उसका अंतरीप है केप बाबा या बाबा अंतरीप से लेकर के 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट देशांतर से लेकर के एशिया शुरू होता है। और इसके बाद आप पाएंगे कि जो इंटरनेशनल डेडलाइन यानी 180 डिग्री इसको थोड़ा सा क्रॉस करके जा करके 169 डिग्री के आसपास, यानी जो पश्चिमी देशांतर है यहां पर एशिया की भूमि समाप्त होती है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से एशिया के देशांतरीय और अक्षांशीय अवस्थिति को आपने समझा था। और अगर आप देखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आप जो है वो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं वो सीधी रेखा नहीं है, मुड़ी हुई है। क्यों मुड़ी है इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपके पास एटलस होगा और आप एटलस खोल करके इस मैप को देखें तो एक चीज आप समझ जाएंगे कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री के साथ खींची गई है वो आप देख रहे हैं जगह जगह पर मुड़ी हुई, क्योंकि जो 180 डिग्री की लाइन जा रही है अगर आप यहां नोटिस करें तो आप पाएंगे ये लाइन तो ये इस तरह से जा रही है लेकिन यहां पर इसे मोड़ दिया गया। तो मोड़ने की वजह ही यही है
कि जो रूस का ये वाला पार्ट है यानी साइबेरियन रीजन, ये लैंड पार्ट डिवाइड हो जाता है। और इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में एक बात आपको शायद पता ही है कि इंटरनेशनल डेडलाइन के अगर इस साइड हम लोग हैं तो यहां अगर संडे है तो यहां आप पाएंगे मंडे, एक दिन इधर आगे चलता। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जो है पश्चिम और पूर्व में एक दिन का डिफरेंस पाया जाता है, तो एक ही लैंड पोर्शन को इससे बचाने के लिए, यानी अगर ये लाइन सीधी होती तो पता चलता यहां संडे है यहां मंडे है, जबकि एक ही लैंड पोर्शन है साइबेरिया का। तो इस चीज से बचने के लिए यहां पर कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इंटरनेशनल डेडलाइन को बेंड किया गया, मोड़ा गया, जगह जगह पर मोड़ा गया। यह हम लोग भौतिक भूगोल में जब अक्षांश देशांतर का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन यहां इमेज दिखाने का एक ही पर्पज था कि आप देख रहे हैं कि अगर हम एशिया के विस्तार को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह है कंट्री टर्की, एटलस सभी के पास होगा। आप एशिया का पॉलिटिकल मैप खोल लीजिए, सबसे किनारे इधर आप देख रहे हैं टर्की आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप टर्की को यहां से लेंगे, सॉरी ये है टर्की, यहां पर मैंने गलत जगह पर मार्क कर दिया था, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ वो मैप चला गया कहीं ना, एक मिनट, ये नहीं, ये मैप नहीं है, वो मैप नंबर इस पेज पे था, यहाँ पे ये सिक्स नंबर पे था। ये हाँ, तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ये गल्फ कंट्रीज हैं, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के पास देखिएगा एटलस में, तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, टर्की। अब टर्की से एशिया का विस्तार शुरू होता है, यानी बिल्कुल मैं यहां पर वेस्टर्न साइड में बिल्कुल पश्चिमी सिरा, और जब बिल्कुल पश्चिम की ओर हूं तो यहां का देशांतर अगर देखा जाए, यानी कि जो देशांतर बिल्कुल इसके केप से गुजर रहा लगभग इस तरह से जो जा रहा, ये जो देशांतर है एक बात ध्यान रखिएगा जीरो डिग्री के इधर है, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो भले ही टर्की जो है वो एशिया के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं वेस्टर्न साइड में है, लेकिन आप यहां इसका देशांतर देखेंगे वो 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट है, और वो भी बिल्कुल इसका पश्चिमी सिरा, केप बाबा की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से ये शुरू होता है, इधर की तरफ आप देख रहे एशिया फैला हुआ है, तो ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, पूर्वी गोला। लेकिन फिर मैं क्या कह रहा था कि ये जो लाइन जा रही है ये है 180 डिग्री, और इसी 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है जो आप देख रहे हैं मुड़ी हुई है। इसके मुड़ने का कारण भी बता रहा था आपको, यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा था कि 180 डिग्री तक तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, लेकिन अगर आप 180 डिग्री के इस पार आ गए तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर शुरू हो जाए, यानी ये पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये पोर्शन ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है पश्चिमी गोलार्ध, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, आप सभी के पास एटलस भी होगा, तो यहां पर ये पूरा लगभग एशिया पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन बहुत थोड़ा सा हिस्सा मैं क्या कह रहा था, ये रूस का जो साइबेरियाई भाग है आप देख रहे हैं 180 के इस पार भी आ गया, और ये जो लगभग इसका बॉर्डर बना रहा है ये 169 डिग्री वेस्ट के आसपास तक आ जाता है। तो इस तरीके से एशिया का कुछ हिस्सा ही वो पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, बाकी ये पूर्णतया पूर्वी गोलार्ध में है। इसी पूरी बात को लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई थी। अब इसी पर जो चीजें यहां पर आपको मैंने कुल मिलाकर के लिखित रूप में दिया था, उसकी पीडीएफ फाइल भी आप सभी को मिल रही होगी उम्मीद करता हूं, तो आपने कहीं ना कहीं जो है ये नोट डाउन कर लिया होगा।
जो पिछली क्लास में हम लोग जो है मैटर समझ रहे थे उसी को मैंने आपके सामने रख दिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किया तो आज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहां लिखिएगा देशांतरीय दृष्टि से यह महाद्वीप भूमध्य सागरीय तट के पास स्थित टर्की के बाबा अंतरीप अर्थात, ये हटा दीजिएगा वाज्य रामन जी, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, देशांतरीय दृष्टि से ये महाद्वीप भूमध्य सागरीय तट के पास स्थित टर्की के बाबा अंतरीप अर्थात 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर और 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट देशांतर तक विस्तृत है। तो अभी जो आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा था उसको वर्डिंग में मैंने यहां पर सामने रख दिया, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान देने, 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से एशिया का विस्तार शुरू होता है और खत्म कहां पर होता आकर इसकी मुख्य भूमि का विस्तार, तो 169 डिग्री 40 मिनट जो है पश्चिमी देशांतर तक यह विस्तृत है। कैसे यह पश्चिमी देशांतर तक गया यह अभी आपको मैप के माध्यम से मैंने समझाई, एक बार आप जो है एटलस वर्क कर लीजिएगा। तो जो इसका सबसे पश्चिमी सिरा आप देख रहे हैं यानी वेस्टर्न एक्सट्रीम देखें तो वो टर्की में आपको मिलेगा और उस जगह का नाम है बाबा अंतरीप के बाबा, बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के शोर से लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये तो इसका देशांतरीय विस्तार हो गया। फिर इसके बाद जो 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिमी देशांतर है ये इसका पूर्वी सिरा, एक बात ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी देशांतर जरूर है लेकिन ये एशिया का पूर्वी सिरा यानी ईस्टर्न एक्सट्रीम है। क्योंकि फिर समझिए अगर हम एशिया के विस्तार को देखें तो ये जो सिरा होगा इसे आप ईस्ट कहेंगे और इसे आप वेस्ट कहेंगे, लेकिन देशांतर के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जो इसका पूर्वी सिरा है वो 180 डिग्री को चूंकि पार करके जा रहा है, ये है 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। तो इन सब चीजों में गलती कहां हो जाती, पूछा गया कि एशिया का सबसे पूर्वी सिरा किस देशांतर पर है, अब यहां लिखा ऑप्शन में 169 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, तो गलती कहां होने की संभावना है कि आपको लगेगा एग्जाम में ये ईस्टर्न एक्सट्रीम पूछ रहा है पूर्वी सिरा, तो पूर्वी सिरा तो पूर्वी देशांतर होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जो यहां एशिया का सबसे पूर्वी सिरा है वो 180 डिग्री को पार करके है और इसलिए यहां पर 169 डिग्री 40 मिनट ये पश्चिमी देशांतर, क्लियर हुआ। फिर इसके साथ साथ ये आगे क्या बता रहा है, जो बेरिंग जल संधि को लगभग छोड़ते हुए रूस के डजनवाय अंतरीप तक फैला हुआ, यानी ये जो पश्चिमी सिरा था ये क्या था, बाबा अंतरीप, ये बाबा अंतरीप या केप बाबा कहां टर्की में, और यहां पर जो आपको अंतरीप मिलेगा यानी जो यहां केप मिलेगा उसका नाम क्या है, डजनवाय अंतरीप, डजनवाय केप जो कि रशिया के साइबेरियन पार्ट में। तो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और मिल गए, अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए विच इज द ईस्टर्न एक्सट्रीम ऑफ एशिया, जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा हो उम्मीद करता हूं उसी से जोड़कर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, भारत का सबसे पूर्वी सिरा कौन सा है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपने देखा होगा, आपके प्रश्न पत्र में पूछा भी जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोग आंसर भी देने की कोशिश करेंगे, फिर पूछ रहा हूं भारत का सबसे पूर्वी सिरा कौन सा है, विच इज द ईस्टर्न एक्सट्रीम ऑफ इंडिया। तो जब भारत के हम पूर्वी सिरे की बात करते हैं तो भारत का मैप याद करिए, सबसे पूर्व में कौन सा राज्य आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ही आप पाएंगे किविथू नाम की एक जगह है और किविथू या वालांगू से लगा हुआ जो क्षेत्र है वही भारत का सबसे ईस्टर्न एक्सट्रीम है। ऐसे ही भारत का जो सबसे वेस्टर्न एक्सट्रीम है यानी जो सबसे पश्चिमी सिरा है वो अगर आप देखें तो गौरमोता गुजरात में है, तो ये तो कम से कम आपको भारत के संदर्भ में पता ही है। ऐसे ही अगर एशिया के संदर्भ में पूछा जाए तो सबसे वेस्टर्न एक्सट्रीम क्या हो गया, बाबा अंतरीप, और ये किस देशांतर पर है, 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट पर, और जो सबसे पूर्वी सिरा है वो रशिया में साइबेरिया में आप पाएंगे डजनवाय अंतरीप है और ये 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिमी देशांतर पर है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा, अब इस पर और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी पेपर में इस पर प्रश्न आए तो आप आंसर दें और सही दीजिएगा। जैसे आज मैंने क्लास शुरू करते ही आप लोगों से एक प्रश्न पूछा, बहुत कम लोगों ने उसका आंसर भी दिया और एक ने अगर प्रयास किया तो उसने गलती की,
मैं चाहता हूं कि पढ़ने के बाद आप गलती ना करें। मैं उस प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। मैंने पूछा था कि हम अगर अर्थ के सरफेस एरिया को ले लें तो बताइए एशिया जो है वो अर्थ के सरफेस एरिया के कितने पार्ट पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप का विस्तार या उसका एरिया पूछ रहा हूं, ठीक है। मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूं कि कितने परसेंट एरिया को एशिया कवर कर रहा है अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है अगर आप देखें तो जो 180 डिग्री देशांतर है वो रूस के सुदूर पूर्व से होकर गुजरता है। इसके परिणाम स्वरूप एक और जहां एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, जो मैं समझा रहा था ये उसी की वर्डिंग है, वहीं दूसरी ओर रूस का एक छोटा सा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। रूस के इस छोटे हिस्से को संपूर्ण देश से एक दिन के अंतर से बचाने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा को बेरिंग जलसंधि के पास मोड़ा गया। तो जैसा कि अभी आपको इमेज मैंने दिखाई थी, एक बार चाहे तो आप फिर से इस इमेज को देख सकते हैं। यहां पर आप पाएंगे है बेरिंग जलसंधि। अपने एटलस में देखिएगा एक एक चीजें लिखी हुई है। और मैंने कहा ज्योग्राफी की क्लास में जब भी आप आए तो एटलस अपने साथ जरूर रखिएगा। यह मैंने अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में पहले दिन की क्लास में ही कह दिया था कि ऑक्सफोर्ड का एटलस लेकर ही आप क्लास में बैठेंगे, और जब भी मैं ऐसा रेफरेंस यूज करूं तो आप एटलस खोल लीजिए। तो एटलस में आप अगर ये वाला इमेज पोर्शन खोलेंगे, मैप खोलेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि यहां पर है बेरिंग स्टेट, बेरिंग जलसंधि, और बेरिंग जलसंधि के पास आकर आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो मोटी सी लाइन ये दिख रही है रेड कलर में आपको, इसी का नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री पर ये खींची जा रही है लेकिन ये मोड़ी गई है। तो मोड़ने की वजह बताई जा रही है क्या कि रशिया का जो ये पार्ट है, ये लैंड पोर्शन, एक ही लैंड पोर्शन दो अलग अलग डे में डिवाइड ना हो जाए। क्योंकि मैंने क्या कहा, इंटरनेशनल डेट लाइन के इस पार जब आप होते एक दिन पीछे होता है, यानी अगर यहां संडे है तो आपको यहां पर मंडे मिलेगा। कहने का अर्थ यह कि जिस दिन अमेरिका के राज्य, यूएसए के राज्य अलास्का में संडे का दिन होता है, उस दिन रूस के साइबेरिया में मंडे का दिन होता है। तो पूरे एक दिन का डिफरेंस यह मिलता है, 24 घंटे का डिफरेंस मिलता है। यानी आज अगर हम कहें कि हिंदुस्तान में शनिवार है तो आप अगर अमेरिका के किसी भी शहर को ले लें, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेडलाइन के इधर है, तो वहां पर आज शनिवार नहीं है, वहां भी फ्राइडे चल रहा है। तो इस तरीके से दोनों में एक दिन का डिफरेंस है। जैसे ही यहां सैटरडे होगा यहां संडे हो जाएगा। तो ये डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए ही, यानी कि यहां लैंड पोर्शन को इससे डिवाइड होने से बचाने के लिए ही, कहीं ना कहीं यहां अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा को बेरिंग जलसंधि के पास मोड़ा गया, ठीक। तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंटरनेशनल डेडलाइन पर चला जा रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपको समझाना पड़ रहा है क्यों यहां पर रशिया का कुछ हिस्सा ऐसा है जो इंटरनेशनल डेडलाइन के इस पार आ गया। तो ऐसा उसे बचाने के लिए ही किया गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथरेखा को मोड़ दिया गया, और उसी को वर्डिंग में भी मैंने यहां पर लिख दिया है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। सारी चीजें लिखी हुई है तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे पूरा का पूरा। और यहां पर इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो भी चीजें मैंने बोर्ड पर आपके सामने यहां पर लिखित में दी है उसका पीडीएफ भी आपको साथ में मिल रहा, तो आप नोट डाउन खुद भी करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी एक चीज क्लियर कर दूं, डाउट ना करें, आपके लिए मैंने इंग्लिश का भी मैटर साथ में तैयार किया। जो बातें अभी हिंदी में एक्सप्लेन की या लिखी, वही चीजें इंग्लिश वर्जन में भी मैंने सामने लिख दी हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनली एशिया इज स्ट्रेच फ्रॉम केप बाबा इन द मेडिटेरेनियन शोर ऑफ टर्की एट 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू केप डेजेनवाय इन रशिया ओवरलुकिंग द बेरिंग स्ट्रेट एट 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके सामने जो ये रिटन मैटर आ रहा है, आप, मैंने पहले ही कहा था कि क्लास करते समय पेपर और पेन के मोड में ही क्लास में बैठे, क्लास को बहुत अटेंटिव और सीरियसली लें, और जितना आप चीजों को नोट डाउन करेंगे उतने ही फैक्ट और क्लियर होते जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ जो लिखने की प्रक्रिया होती है वो आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट को कहीं ना कहीं मजबूत बनाती है। जब किसी फैक्ट को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब उसे नोट डाउन करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि टू लेयर इसकी तैयारी
की बनती जाती है। एक बार पढ़ा फिर उसे नोट डाउन किया, आप चाहे कंप्लीट सेंटेंस ना लिखे शॉर्ट में भी लिखते जाएं, लेकिन एक बात कम से कम यहां से क्लियर हो रही है कि अगर आपसे कहा जाए कि एशिया का वेस्टर्न एक्सट्रीम कौन सा है, तो सबसे पश्चिम में एशिया के टर्की कंट्री है और टर्की का एक लैंड पोर्शन है जो बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के शोर से लगा है, उसका नाम है केप बाबा। तो केप बाबा से एशिया की जमीन शुरू हो जाती है जो कि 26 डिग्री 4 मिनट ईस्ट पर है। ऐसे ही एशिया का जो ईस्टर्न एक्सट्रीम है यानी पूर्व में बिल्कुल इसका सिरा कहां तक जाता है, तो देशांतर में देखें 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिमी देशांतर तक जाता है। और यह जगह कौन सी है, तो यह रशिया का केप डेजेनवाय है यानी डेजेनवाय अंतरीप है। और इस तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनली ये एशिया का विस्तार। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप देखें तो जो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है पास थ्रू द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया, एज अ रिजल्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, स्मॉल पोर्शन ऑफ रशिया लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टू अवॉइड दिस स्मॉल पार्ट ऑफ रशिया फ्रॉम हैविंग अ डे डिफरेंस इन टाइम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री द इंटरनेशनल डेट लाइन कर्व्स एज इट इज पासिस थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की ओर इसे मोड़ा गया है इंटरनेशनल डेट लाइन को। तो ये सारी बातें जो हिंदी में समझाई उसी का ये इंग्लिश में आपको जो है पीडीएफ फाइल दिया जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं बोर्ड पर जो आप देखते हैं उसे आप लिखें भी तो ज्यादा अच्छा रहे, अपना भी नोट्स तैयार करें और साथ में जैसा कि आपसे कमिटमेंट था कि मैं आपको बोर्ड पर लिखित मैटर का भी पीडीएफ फाइल अवेलेबल कराऊंगा तो वो आपको मिलता जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एशिया के जो है वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसी को एक अन्य संदर्भ में थोड़ा सा और देख ले, यानी मैं डायग्राम के माध्यम से वही चीज बताना चाहता हूं कि जब एशिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो आप लैटिट्यूड देख पा रहे हैं कि 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री 50 मिनट साउथ तक एशिया का जो है विस्तार मिलता है। ये इसका लैटिट्यूडनल पोजीशन हो गया ग्लोब पर। और फिर इसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड में बात करेंगे तो मैंने कहा था पूरा पूर्वी गोलार्ध ले लीजिए और साथ में 169 डिग्री और 40 मिनट वेस्ट तक जो है एशिया का विस्तार मिलता है। तो जो चीजें वर्डिंग में समझाई उसी को आपको एक ग्लोब पर जो है इमेज के माध्यम से भी क्लियर की गई। तो ये डायग्राम भी आप साथ में बना लेंगे तो और भी विजिबल हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो एशिया का अक्षांशीय विस्तार जब भी पूछा जाए, ये देशांतरीय विस्तार पूछा जाए, तो ये इमेज आपको माइंड में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था और एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेकर यहां पर दो चीजें ध्यान दीजिए। एक तो एशिया की मुख्य भूमि के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, यानी जो एशिया का मेनलैंड है, जब भी यहां पर यह टर्म यूज किया जाए कि एशिया का मेनलैंड, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैं इंडोनेशिया जो आइलैंड के रूप में फैला हुआ उसे छोड़ रहा हूं, इंडोनेशिया का जो आइलैंड पोर्शन है उसको मैं इसमें से रिमूव कर रहा हूं, लेफ्ट कर रहा हूं, और दूसरी तरफ जो भी आइलैंड पोर्शन है वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, केवल मुख्य भूमि की बात हो रही है, जैसा कि अभी कल की क्लास में आपको समझाया था। तो जब हम एशिया के मुख्य भूमि को देखेंगे, ध्यान रखिए हिंदी में आप मुख्य भूमि लिख सकते हैं, एशिया की मुख्य भूमि के एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है सिरा, ठीक है, और आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा है उम्मीद करता हूं इसलिए समझ में आएगा। जैसे भारत के मैप को आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे उत्तरी सिरा कौन सा है, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इंडिया या नॉर्थ एक्सट्रीम ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे जो है वो उत्तरी सिरा कौन सा है। राज मेरा जी, मेरे प्रश्न को आपने फिर नहीं समझा, यानी कल की क्लास में या तो आप अटेंटिव नहीं थे या आपने क्लास अटेंड नहीं की। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात समझाई है, उस वीडियो को फिर देखिए, फिर इसके बाद अपने डाउट को क्लियर करिए, अभी भी आपका आंसर गलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार हम लोग तैयारी करके एग्जाम में जाते हैं, प्रश्न को बिना समझे उत्तर लगाकर आते हैं और फिर भी गलतियां होती हैं।
तो ऐसा नहीं है, ये आपका एफर्ट बहुत अच्छा है कि आपने कम से कम आंसर देने की कोशिश की। बाकी जितने लोग भी लाइव हैं क्लासेस में, उनमें से बहुत बच्चों ने तो आंसर भी अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर से एक बार मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं कि जो हमारी धरती का संपूर्ण धरातलीय भाग है, यानी जो आप कह लीजिए टोटल सरफेस है, मैं कुल सतह की बात कर रहा हूं, तो पृथ्वी के कुल सतह पर या टोटल सरफेस एरिया के कितने परसेंट पार्ट पर एशिया का विस्तार मिलता? तो बहुत सिंपल सी चीज आपसे पूछी है कि एशिया का विस्तार वो हमारे अर्थ के सरफेस एरिया के कितने परसेंट पार्ट पर मिलता है। हाँ शुभम जी क्या कह रहे हैं, सर मैंने आपका स्पेशल बैच लिया था बट कोरोना से ऑफलाइन बैच रुक गया। कोई बात नहीं शुभम जी, ऑनलाइन बैचेस इसीलिए आपको फैसिलिटी के रूप में दी गई, और मैंने यहां तक कि जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस में थे उनको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस उस समय प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, अच्छा राज मेरा जी आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से फिर उत्तर मिल ही जाए, तो इतना आसान मत बनाए, पढ़ाया ही इसीलिए है। और मैं जो आपका टेस्ट भी लूंगा, मैंने कहा था टॉपिक खत्म होने पर, कंप्लीट एक टॉपिक होने पर टेस्ट भी चलेगा, तो मैं नहीं चाहता कि हर चीज बस सीधे रटाने वाला काम करो। आप थोड़ा सा परेशानी मोल लीजिए, जो पढ़ाया गया उसका रिविजन करिए, कल फिर पूछ लीजिएगा, मंडे की क्लास में एक बार आप पूछिएगा जरूर बता दूंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। ठीक, क्योंकि मैंने पढ़ाया और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। चलिए, तो यहां पर मैं क्या बात कर रहा था कि जब एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करेंगे, एशिया के मुख्य भूमि यानी सिरों की बात करेंगे, तो जो मेरा एक प्रश्न था कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा, तो उसका उत्तर आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत पड़ता है, इंदिरा कौल। और भारत का जो सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा है, यानी जो इंडिया का मेन लैंड है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो उसमें गलती मत करिएगा कि जल्दीबाजी में आंसर दे दीजिए कि सर इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया के मेन लैंड पर है ही नहीं। आप जानते हो अंडमान निकोबार पर है, जबकि मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं कि इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप सब जानते हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी की वो जमीन जो बिल्कुल आप देख रहे हैं हिंद महासागर को टच कर रही, मैंने कहा था कोई भी लैंड पोर्शन जो बिल्कुल ओशियन को टच कर रहा उसी को केप कहते हैं, यानी उसे अंतरीप कहा जाता है, और अंतरीप के रूप में अगर आप देखें तो उसी का नाम है कुमारी अंतरीप। तो कुमारी अंतरीप तक जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जाता है, कन्याकुमारी तक, और इस तरीके से अगर आप भारत की जगह पर एशिया को ले लें, तो भारत सॉरी एशिया का जो सबसे नॉर्दर्न सिरा है, एक्सट्रीम है, सबसे उत्तरी सिरा है, उसका नाम है केप चुलिस्किन जो कि रशिया में, यानी ये आप एक तरीके से अक्षांश की दृष्टि से देख रहे हैं, और अक्षांशीय विस्तार ये दिख रहा है, तो सबसे उत्तरी सिरा हो गया केप चुलिस्किन जो कि रशिया में है, और सबसे दक्षिणी सिरा वो भी मुख्य भूमि का, क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैंने इंडोनेशिया को इंक्लूड नहीं किया, तो यहां आंसर हो गया तांजुंग पियाई जो कि मलेशिया में। तो आप अगर यहां पर एशिया के मैप को देखेंगे तो बड़े आसानी से इस चीज को आप समझ भी जाएंगे कि एशिया की मुख्य भूमि, एटलस जरूर रखिए और एटलस में एक बार इसे खोजने का प्रयास करिए, हालांकि जरूरी नहीं कि आपको वहां मिल ही जाए, लेकिन बस ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो सदर्न पॉइंट है वो मलेशिया का तांजुंग पियाई है, और जो नॉर्दर्न एक्सट्रीम है वो केप चुलिस्किन है रशिया का। बाकी वेस्ट और ईस्ट की बात करूं तो अभी अभी आपको समझाया था कि जो वेस्टर्न एक्सट्रीम है केप बाबा टर्की का है, और जो ईस्टर्न एक्सट्रीम है केप डेजनवाय रशिया का है। तो केप डेजनवाय रशिया का ये सबसे ईस्टर्न एक्सट्रीम हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी थी। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीम एग्जाम में आ जाए आंसर क्या लगाना ये क्लियर रखिए, नॉर्दर्न एंड सदर्न एक्सट्रीम आ जाए तो आंसर क्या लगाना, सबसे उत्तरी सिरा तो आंसर हो गया केप चुलिस्किन रशिया, सबसे दक्षिणी सिरा मुख्य भूमि का तो तांजुंग पियाई मलेशिया, सबसे पश्चिमी सिरा केप बाबा टर्की, और फिर इसके बाद सबसे पूर्वी सिरा तो केप डेजनवाय रशिया यानी डेजनवाय अंतरीप रूस। अब फिर इसके बाद एशिया के इसी एक्सट्रीम को अगर आप देखें तो हम पाएंगे कि इसमें मेन लैंड के साथ साथ अगर आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर ले, यानी केवल मेन लैंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भारत का दक्षिणतम सिरा कौन सा है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ इंडिया,
तब आप आंसर कन्याकुमारी नहीं लगाते हैं, तब आप आंसर क्या लगाते हैं, तो आप लगाते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट फिर क्यों आंसर लगाते हैं, क्योंकि आपने आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया, और इंदिरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 6 डिग्री नॉर्थ के आसपास है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड पर है, जबकि कन्याकुमारी तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड पर है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे भी भारत की भूभाग जा रहा है, बस अंतर यह है कि वो आइलैंड पोर्शन है। तो इसलिए जब भारत का सबसे दक्षिणी सिरा लेंगे तो इंदिरा पॉइंट, ऐसे ही आप समझिए कि जब हम एशिया के सबसे दक्षिणी सिरे की बात करने लगेंगे तो केवल मेन लैंड को ध्यान में नहीं रखेंगे, फिर हम यहां पर आइलैंड्स को भी ले लेंगे, द्वीप समूहों को भी ले लें, और इस तरीके से जब इनको भी इंक्लूड कर लेंगे तो आंसर यहां पर बदल जाएगा। फिर आंसर क्या होगा वो आपके सामने लिखा, अगर एग्जाम में आया विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, तो आंसर लगाइएगा क्लेफ केव फिजली प्रिंस रूडोल्फ आइलैंड रशिया। देख पा रहे हैं आप, ये आइलैंड है और यहां पर जो अंतरीप है उसका नाम है केव फ्लिजली, यानी फ्लिजली अंतरीप जो कि रूडोल्फ आइलैंड पर है, प्रिंस रूडोल्फ आइलैंड पर है रूस में, ये 81 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ तक जो है सिरा जाता है। तो इस तरह से यहां पर नॉर्दर्न मोस्ट जो एक्सट्रीम है या जो बिल्कुल उत्तरी सिरा है वो आंसर ये हो जाए। तो अगर आपसे पूछा गया एशिया की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी सिरा, तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया क्या आंसर लगाएंगे, केप डजनवाय रशिया में ही। और अगर मान ली एशिया की मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण रशिया की बात, संपूर्ण एशिया की बात कर रहा है, तो आंसर क्या लगाएंगे, केप फ्लिजली प्रिंस रूडोल्फ आइलैंड रशिया। क्लियर हो गया। ऐसे ही सबसे दक्षिणी सिरा, तो अभी आपको सबसे दक्षिणी सिरा क्या बताया था, तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी तो मलेशिया में बताया था, अब यहां पर आप इंडोनेशिया में बता रहे हैं, तो मैंने मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीप समूहों को भी ले लिया, और इसलिए आंसर क्या हो गया, पमाना आइलैंड, यानी आइलैंड इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो आंसर लगाइएगा पमाना आइलैंड इंडोनेशिया। क्लियर है। तो जब एशिया के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा पूछा जाए तो आंसर कुछ और होगा, और जब यहां एशिया का सबसे दक्षिणी सिरा पूछा जाए तो आंसर कुछ और होगा। तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि आपके पेपर में प्रश्न क्या आया, प्रश्न को समझकर उत्तर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है, हम तथ्य रटे होते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं और जैसे ही वो फैक्ट के साथ ऑप्शन सामने दिखाई देता है टिक कर देते। पूछ रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा और हम लगा रहे हैं आंसर एशिया का सबसे दक्षिणी सिरा, तो दोनों प्रश्नों का फर्क समझिए, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा आंसर कुछ और है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी सिरा आंसर कुछ और है, तो वही चीज एशिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जब हम वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम की बात करेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो वही है केप बाबा टर्की, और अगर ईस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए और बिग डिमोंड रशिया का पार्ट जो है जो कि 169 डिग्री 3 मिनट वेस्ट तक चला जाता है और इस तरह से सबसे पूर्वी सिरा हो जाता। तो अच्छा, यहां पर एक चीज और नोटिस करिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात पैदा हो सकती है कि सर जरा ध्यान दीजिएगा, आपने ये जो कहा था कि जो एशिया की सीमा का विस्तार है वो 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट तक है, 169 डिग्री 40 मिनट पश्चिम देशांतर तक है, और यहां पर ये मुख्य भूमि के विस्तार की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर जो है वो आप कह रहे हैं कि जो एशिया का सबसे पूर्वी सिरा है वो 169 डिग्री 3 मिनट तक जा रहा, तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, यहां 169 डिग्री 40 मिनट और यहां पर आप देख रहे हैं 169 डिग्री 3 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो कुछ बच्चों के दिमाग में यहां पर कंफ्यूजन किस बात को लेकर होगा कि सर एक देशांतर है वो है 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, तो इस पर कोई पॉइंट पड़ रहा है वो सबसे जो है ईस्ट हम माने, या फिर आप कह रहे हैं 169 डिग्री 3 मिनट वेस्ट इसको माने, क्योंकि उनको क्या लग रहा है 40 तो ज्यादा 3 तो कम है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप 169 डिग्री 3 मिनट वेस्ट देशांतर को लेंगे तो वो इस लाइन के इस पार नहीं पड़ेगा, वो इधर की ओर पड़ेगा, यानी कहने का मतलब और इधर आ जाएगा।
तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाए, और पश्चिमी गोलार्ध मतलब 169 से इधर जाएंगे तो 170 नहीं आए, 168 आएगा। ऐसे ही इधर बढ़ेंगे तो 170 इधर आएगा, यानी 169 इधर घटता जाएगा और 0 डिग्री देशांतर तक जाएगा। तो इसका मतलब जब पूरे एशिया के सबसे पूर्वी सिरे की बात करेंगे तो यही आंसर होगा। यह याद करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन ये वर्ड याद रखिए, बिग डायमंड, रशिया का जो बिग डायमंड है यही जो है सबसे पूर्वी सिरा है। तो कुल मिलाकर जितने भी एक्सट्रीम थे या जितने भी सिरे थे उस पर प्रश्न कैसे बन सकता है, उसी को ध्यान में रखकर आपके सामने यह तथ्य रखा गया है, और उम्मीद करता हूं कि यह तथ्य आपको याद होगा। अब हम एशिया के ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें, यानी पूर्व से पश्चिम में कितना फैला है और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना विस्तार है। जैसे इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत की मुख्य भूमि है, अगर आप एक रफली जो है समझने का प्रयास करें, तो जो भारत की मुख्य भूमि का आप मैप देखते हैं, इसमें आप एक उत्तर से दक्षिण ये कहते हैं, नॉर्थ से साउथ, और इसको आप कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो आपने जैसे भारत के बारे में पढ़ा था कि उत्तर से दक्षिण भारत वो 3214 किलोमीटर में फैला, यानी उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, और पूर्व से पश्चिम में आप पाते हैं कि ये 2933 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, यानी इसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो तुलनात्मक रूप से कम है, किसकी तुलना में, उत्तर दक्षिण विस्तार से। लेकिन एशिया के संदर्भ में यह तथ्य ध्यान दीजिए, इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन से ज्यादा, यानी कहने का अर्थ क्या है कि एशिया का फैलाव जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ज्यादा और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसका विस्तार लें तो वो कम है। तो ये कह रहा है कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो कितना है, 9650 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है वो कितना है, 6440 किलोमीटर। तो ये तथ्य भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो एशिया महाद्वीप के द्वीपों के सागर तटों की लंबाई है उसको अगर हम छोड़ दें, यानी आइलैंड्स के जो है अगर हम कोस्ट की लंबाई को छोड़ दें, तो एशिया महाद्वीप का समुद्री तट वो कितना विस्तारित है, तो इसका आंसर हो जाता है कि ये 6900 किलोमीटर है। यानी मैं ये एशिया के कोस्टलाइन की बात कर रहा हूं, उसके समुद्री तट की बात कर रहा हूं, और इसमें आइलैंड छोड़ रहा हूं, केवल भूमि के हिस्से को, मुख्य भूमि को ले रहा हूं, तो अगर आइलैंड के सी कोस्ट की लंबाई छोड़ दी जाए तो आप कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का जो समुद्री तट है वो 6900 किलोमीटर लंबा। और अभी मैं यहां के भू क्षेत्र की बात कर रहा था कि इसका औसत विस्तार अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण कितना है, 6440 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 9650 किलोमीटर। तो ये जो फैक्ट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें कि एशिया महाद्वीप के द्वीपों के सागर तटों की लंबाई छोड़कर इसका समुद्री तट 6900 किलोमीटर लंबा है। यहां के भू क्षेत्र का औसत विस्तार उत्तर से दक्षिण 6440 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 9650 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आगे यहां इसी को आप इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं, एशिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इट्स सी कोस्ट इज अबाउट 6900 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग द सी कोस्ट ऑफ आइलैंड्स, द एवरेज एक्सटेंशन ऑफ इट्स लैंड एरिया इज 6440 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 9650 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आप डायग्राम के रूप में भी इसे बना सकते हैं, जिससे याद रहे कि पश्चिम से पूर्व एशिया का विस्तार ज्यादा है और कितना है, 9650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो एशिया का विस्तार है लंबाई है वो 6440 किलोमीटर। इसे आप चाहें तो मैप के माध्यम से भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, और इसमें आप पाएंगे कि अगर हम एशिया के मैप को लें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप देख रहे हैं यहां टर्की, टर्की से लेकर के मैंने कहा ये रूस के डेजनवाय अंतरीप तक ले ले, तो ये जो विस्तार है ये ज्यादा दिख रहा,
जबकि आप अगर इस तरह से देखें तो इस तरह से इसका विस्तार इसकी तुलना में कम है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर फैलाव ज्यादा दिख रहा है एशिया का और उत्तर से दक्षिण इसका फैलाव कम दिख रहा है। तो इसी के बाद 6,440 किलोमीटर ये है, जबकि यहां 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा आप देख रहे हैं ये इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें अब आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी, ठीक है। अब आगे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक आपका हो जाएगा, जिसमें हम लोग एशिया के पड़ोसियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एशिया की सीमाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी एशिया के फ्रंटियर के बारे में अब बात करेंगे। जब भी आप एशिया के सीमाओं को देखेंगे या उसके फ्रंटियर को आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि एटलस के माध्यम से आपको इस पर वर्क करना, यहां पर आपको एटलस की जरूरत ज्यादा होगी। और इसीलिए सबसे पहले आप सभी लोग एशिया का जो है फिजिकल मैप अपने सामने रखिए, ठीक है। एटलस में एशिया का मैप खोलिए, ठीक है। वर्ल्ड एटलस आप सभी के पास है, ऑक्सफोर्ड का एटलस आपने ले लिया होगा। और मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं कि एटलस लेकर ही क्लास में बैठिएगा, क्योंकि मैं तो यहां पर जो है वो गूगल इमेज का इस्तेमाल करके आपको बता दूंगा, लेकिन बेहतर रहेगा आप खुद से भी करें। ज्योग्राफी में पढ़ते समय मैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैपिंग के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर होती चली जाती है, क्लैरिटी के साथ। ये वही बात हो गई कि एक चीज आपने कानों से सुना और एक चीज आपने आंखों से देखा, तो सुनी हुई बातों पर भरोसा तब और बढ़ जाता है जब हम कहीं ना कहीं उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं। और इसीलिए मैं जो भी बताता जाऊंगा उसे आप एटलस पर वर्क करते जाएंगे, उसे देखते जाएंगे। और ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, बल्कि बिल्कुल आपके एटलस में जो चीजें हैं वही सामने दिखती जाएंगी, उसी को मैंने वर्डिंग दे दी। तो एशिया के सीमाओं पर जब हम बात करेंगे या उसके फ्रंटियर की बात करेंगे या उसके नेबरिंग में कौन कौन है इसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ में आ जाएं, उत्तर में, तो आप देखिए एशिया में उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। यह मिल गया होगा आपको मैप में। अब अगर मैं इमेज का इस्तेमाल करूं तो आपको यहां पे मैं ये दिखा सकता हूं, ठीक। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो आप क्या पाएंगे, ये एशिया महाद्वीप का भौतिक मैप है, यानी ये फिजिकल मैप मैंने आपके सामने रख दिया। आप सभी के पास उम्मीद करता है मैप होगा, एटलस में आप देख रहे होंगे। तो एशिया के जब नॉर्थ की मैं बात करूंगा, नॉर्थ कहने का अर्थ यहां पर आपके सामने बहुत स्पष्ट हो रहा होगा कि यह डायरेक्शन जा रहा है, यह नॉर्थ है। तो आप यह देख रहे हैं यह पोर्शन कौन सा है, लिखा होगा आर्कटिक ओशियन। तो यह उत्तर में जो है वो आर्कटिक ओशियन हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम दक्षिण की ओर बढ़े यानी साउथ की ओर आते हैं, ठीक है, तो आप यह देख रहे हैं यह पोर्शन कौन सा हो गया, इंडियन ओशियन। यानी उत्तर की ओर है आर्कटिक ओशियन और दक्षिण की ओर है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। एटलस में भी आप देखिए जिससे चीजें क्लियर होती चली जाए। तो यह बिल्कुल याद रखना है कि एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर का ही एक्सटेंशन आप इधर देख रहे हैं कि यह चला गया यहां तक, यह पूरा अरेबियन सी, और इधर एक्सटेंशन आप बंगाल के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हिंद महासागर, ये आर्कटिक महासागर। अब जरा एशिया के पूर्व की ओर देख ले, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो पूर्व का जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, पैसिफिक ओशियन का, यानी इधर ईस्ट की ओर है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, और उत्तर की ओर है आर्कटिक महासागर, और दक्षिण की ओर है हिंद महासागर। यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा। अब इसके साथ साथ यहां पर फिर आ जाइए, हाँ, तो मैं बात कर रहा था टू द नॉर्थ ऑफ एशिया लाइज द आर्कटिक ओशियन, यानी एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है
और ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशियन, पूर्व में प्रशांत महासागर है, एंड टू द साउथ लाइज द इंडियन ओशियन। ये तीनों टर्म क्लियर हो रहे हैं, इंडियन ओशियन कहां है, पैसिफिक ओशियन कहां है और आर्कटिक ओशियन कहां, एशिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। यह बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका होगा, आपने इमेज में भी देखा और आपने फैक्ट लिख भी लिया होगा। फिर आगे बढ़िए, जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं एशिया में, तो यहां पर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे लिखा है एशिया इज सेपरेटेड टू द वेस्ट, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। यानी फिर यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम की ओर जब, खासकर उत्तर पश्चिम हम कह ले, तो यूरोप से जो है वो एशिया की सीमा लगी है। ठीक है, इमेज में भी आप देख सकते हैं कि यूरोप से इसकी सीमा बन रही है और यहां से एक ऐसी जो है सीमा रेखा बनती है जो यूरोप से इसे अलग करती है। वो सीमा रेखा कौन बना रहा है, तो इसमें एक है यूराल माउंटेन, यानी एक श्रृंखला में मैं बता रहा हूं, अभी आपको मैप पर भी समझाऊंगा लेकिन पहले आप फैक्ट भी जान लें। यूराल माउंटेन से आप शुरू करें, एटलस में आप देखें, जो आपने साइबेरिया वाला क्षेत्र देखा था, मैंने कहा था रूस का साइबेरियाई प्रदेश वो भौगोलिक रूप से एशिया का हिस्सा, राजनैतिक रूप से रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, पॉलिटिकली रशिया जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन रूस इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया के अंतर्गत है। तो जो रूस का साइबेरियाई प्रदेश है भौगोलिक रूप से वो एशिया का हिस्सा माना जाता है और यही कारण है कि इस पूरे भूभाग को यूरेशियन महाद्वीप के रूप में, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं, यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट में इसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो यहां पर साइबेरियाई भूभाग है उसके आप पश्चिम की ओर देखिएगा तो आपको एक यूराल माउंटेन फिजिकल मैप में दिखाई देगा। यूराल माउंटेन से ही आप नीचे बढ़ेंगे, यूराल रिवर दिखाई देगी, यूराल पर्वत भी है, यूराल नदी भी है। फिर और नीचे आप बढ़ेंगे तो कैस्पियन सी है, यानी कैस्पियन सागर। फिर कैस्पियन सागर से आप टर्न लेंगे तो काकेसस माउंटेन, काकेसस पर्वत दिखाई देगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक सी आपको दिखाई देगा और फिर फाइनली भूमध्य सागर। तो एक तरीके से अगर आप देखें एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो ये सीमा है यहां पर, हाँ गौरव वशिष जी पूछ रहे हैं और प्रशांत कृष्णा जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल भारती सर अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी वो आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से वो आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगे, वो स्वस्थ हो चुके हैं तो आप लोगों की चिंता दूर हो गई होगी और पहले भी इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो सीमा रेखा वो कैसे बनती है, तो इसमें सबसे पहला नाम जोड़िए यूराल पर्वत का, ये याद रखिएगा, दूसरा रखिए यूराल नदी का नाम, तीसरा कैस्पियन सागर का नाम, चौथा काकेसस पर्वत का नाम, पांचवा ब्लैक सी काला सागर का नाम और छठा मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर का नाम। ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। अब यहां पर इसी को आप जो है वो इमेज के माध्यम से भी देख लें, यानी कि अब मैप पे वर्क करके इसको देख लें तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, हालांकि इस इमेज में आपको चीजें हो सकता है बहुत अच्छे से स्पष्ट ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसे बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसे आप एटलस से उसको जोड़ करके थोड़ा सा समझ सके। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये एक बॉर्डर सा बन रहा है यूरोप के साथ और ये बॉर्डर जो है वो इस तरह से कुछ बनता जा रहा है। ठीक है, ये पोर्शन यूरोप का हो गया, ठीक, और ये पोर्शन जो है वो एशिया का हो गया। ये एशिया वाला पार्ट हो गया, ये यूरोप का पार्ट हो गया और ये मैंने बॉर्डर लाइन खींच दी। अब ये जो बॉर्डर लाइन है इस पर अगर आप साथ साथ चले, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यूराल पर्वत है, तो यहां आप देखिएगा यूराल माउंटेन दिखाई दे रहा होगा, ये साइबेरियाई रीजन है, ये इधर रशिया का जो है मॉस्को, जो उसका मुख्य भूभाग है, उसकी राजनीतिक राजधानी, वो वाला क्षेत्र ये इधर पड़ेगा। तो यूरोप के अंतर्गत जो रशिया का पार्ट आता है, ठीक है, उसको आप देखें और इधर साइबेरियाई रीजन, दोनों के बीच में यहां पर आपको यूराल पर्वत दिख जाएगा।
एटलस आपके सामने होगा, देख रहे होंगे। नीचे की ओर देखिए यूराल नदी, फिर इसके बाद यानी कि यूराल नदी और यूराल पर्वत मिल गया आपको। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख रहे हैं कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है। ये यहां पर आप देख रहे होंगे ये है काकेसस पर्वत, यानी यहां से मैंने टर्न लिया। काकेसस पर्वत से आगे बढ़िए, ये ब्लैक सी है, यहां पर काला सागर है, और फाइनली ये है भूमध्य सागर का हिस्सा। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सी, फिर इसके बाद ब्लैक सी, सॉरी काकेसस माउंटेन, फिर ब्लैक सी, और फिर ये मेडिटेरेनियन सी, यानी ये एक तरीके से यूरोप और एशिया की सीमा अलग कर रहे हैं। अब देखिए इस पर कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एशिया और यूरोप की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो बिल्कुल सीमा रेखा पर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी, एक सिंगल क्वेश्चन अगर बन गया तो आंसर लगा है आपने, क्या हो गया आंसर, यूराल रिवर, यूराल नदी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया गया कि कौन सी पर्वत श्रेणियां एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारण करती हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहां मैंने बताया काकेसस पर्वत और यहां मैंने बताया यूराल पर्वत, तो दो दो का पेयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यूराल माउंटेन एंड काकेसस माउंटेन इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो रटने से अच्छा मैं चाहता तो फैक्ट वाइज लिख देता कि ये फैक्ट आप रट लीजिए, लेकिन जब आप विजिबल तरीके से तैयार करेंगे, देखते हुए तैयार करेंगे, समझते हुए, तो वो फैक्ट आपको बहुत आसान भी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज करिए, बार बार करिए, लेकिन कम से कम क्लैरिटी के साथ बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सामने कहां पर मौजूद है। तो यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाने में योगदान दे रहा। फिर यहां पर कैस्पियन सी एक लेक है, साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, बल्कि आप सब जानते ही होंगे विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये इतनी बड़ी है जिसके कारण इसे सी कह दिया गया, सागर, जबकि ये सागरीय भाग नहीं है, ये एक साल्ट वाटर लेक है। ठीक है, खारे पानी की झील। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी लेक यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है, तो आप यहां पर कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सी लेक है तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या आप लगाएंगे, कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर। क्लियर हुआ। ऐसे ही यहां पर दो सागरीय भाग भी है, एक ब्लैक सी और एक मेडिटेरेनियन सी, ये दोनों भी एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। तो एशिया और यूरोप की सीमा भी समझ गए, अब फिर से उसी मैटर पर आ जाते हैं जो मैं आपको समझा रहा था। ठीक, अब आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है द स्वेज कैनाल द स्वेज कैनाल रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, यानी अब एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमाओं की बात हो रही है, या आप कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल बॉर्डर की बात हो रही है, मानवजनित सीमा या प्राकृतिक सीमा जो एशिया और अफ्रीका को अलग करे। तो एशिया और अफ्रीका को जब अलग करने की बात करेंगे, यानी एशिया और अफ्रीका की सीमा बनाने वालों की बात करेंगे, तो इसमें एक आप नाम जोड़िए स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज नहर। दूसरा नाम आप इसमें जोड़िए रेड सी, और तीसरा नाम आप जोड़ेंगे गल्फ ऑफ अदन, यानी अदन की खाड़ी। तो तीन चीजें आपको बताई, ये तीन मेजर है, स्वेज कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, यानी स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अब जरा इसको आप इमेज के रूप में भी देख लें, तो इमेज के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, एटलस फिर खोलिए, अपने सामने रखिए फिजिकल मैप, और फिजिकल मैप में आप देखेंगे ये एक पेनिनसुला रीजन है, प्रायद्वीपीय भाग। देखिए, आप फिजिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ेंगे कौन कौन से लैंड फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती हैं, तो उसी में आपको पढ़ाऊंगा कि किस स्थलाकृति को प्रायद्वीप कहा जाता है। हालांकि बहुत बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं,
एक ऐसा लैंड मास या एक ऐसा लैंड पोर्शन जो थ्री साइड से वाटर बॉडी से सराउंड हो, यानी एक ऐसा स्थलीय क्षेत्र या एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जलीय भाग से घिरा हो, जलीय निकाय से घिरा हो। अगर कोई लैंड मास चारों तरफ पानी से घिरा है, कोई भी भूभाग चारों तरफ पानी से घिरा है, तो उसे अभी पिछली क्लास में आपको बताया था आइलैंड कहते हैं। अ लैंड मास, अ लैंड पोर्शन सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड आइलैंड्स। यानी द्वीप क्या हुआ? जो चारों तरफ पानी से घिरा। तो प्रायद्वीप क्या हुआ? यानी एक द्वीप है, एक प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप यानी जिसे इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, ये तीन तरफ से जो है वो पानी से घिरा होता है। और एक टर्म और है महाद्वीप, जो आप पढ़ रहे हैं। तो महाद्वीप भी आपको क्या बताया था? मैसिव लैंड मास, ह्यूज लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड ब्लॉक जो चारों तरफ पानी से घिरा है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये जो है अरेबियन पेनिनसुला है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला अरब प्रायद्वीप है, इसके बगल में ये जो थोड़ा सा पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, आपके एटलस में भी दिख रहा होगा, वो ध्यान रखिएगा, ये है अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। जैसे ये सोमालिया आपको दिख रहा है, ठीक है, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इस तरह के जो कंट्रीज सब दिख रहे हैं, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका के साथ ये अरेबियन पेनिनसुला लगा हुआ दिख रहा है आपको बिल्कुल बगल में। अरेबियन पेनिनसुला जियोग्राफिकली एशिया में है, भौगोलिक रूप से एशिया में है, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यहां पर जो है वो एक सागरीय क्षेत्र है, एक सागर दिखाई दे रहा होगा, और इसी का नाम है रेड सी। रेड सी ये क्षेत्र हो गया, और रेड सी के थोड़ा सा नॉर्थ में जाकर यहां पर आप देखिएगा तो एक कैनाल बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल ही जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये आर्टिफिशियल कैनाल है, ये कृत्रिम नहर बनाई गई थी। इस्थमस आप स्वेज को काट करके, स्वेज स्थल संधि को काट कर यह नहर बनाई गई। आपको सिर्फ इतना जान कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने वाली जो स्वेज कैनाल है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है, ठीक है। तो यहां पर आप मैप में देखिएगा जो स्वेज कैनाल है उसी के नीचे रेड सी, गल्फ ऑफ स्वेज भी थोड़ा सा इसका पार्ट है, गल्फ ऑफ स्वेज ही से कनेक्ट होता है मेडिटेरेनियन सी। तो कुल मिलाकर के आप क्रम से याद रखें, पहले स्वेज नहर, फिर लाल सागर, और फिर इधर पर आप देख रहे हैं यहां पर है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। ये कम से कम जो सीरीज बन रही याद रखना है, स्वेज कैनाल, फिर रेड सी और फिर गल्फ ऑफ अदन, ये अफ्रीका से अलग कर रही इसे। यहां पर आप देखेंगे एक स्ट्रेट भी है, लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ने वाली एक जलसंधि है। जलसंधि जो है अपने आप में एक ऐसा नैरोअर पार्ट होता है, एक ऐसा सकरा भाग होता है जो दो अलग अलग जलीय निकायों को जोड़ता, दो लैंड मासेस को सेपरेट करता, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जलसंधि यहां मिलेगी। और यह जलसंधि जो है वाटर बॉडी का एक नैरोअर पार्ट है जो दो अलग अलग वाटर बॉडीज को मिलाती है, जोड़ती है, कनेक्ट करती है। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी आप जानते हैं अरेबियन सी का ही एक्सटेंशन है, यह पूरा अरेबियन सी का ही एक्सटेंशन है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी जिस जलसंधि से जुड़ रही है, एटलस में आप देखकर इसका आंसर दे सकते हैं, यहां पर लिखा होगा बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब की जलसंधि। और जो बाब अल मंदेब की जलसंधि है वो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं बाब अल मंदेब भी एशिया और अफ्रीका को अलग कर रहा, क्योंकि जल संधि की एक खासियत होती है ये अगर टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है तो टू सेपरेट लैंड मास करती है, यानी लैंड मासेस को सेपरेट करती, डिवाइड करती। तो अफ्रीका को एशिया से अलग करने का काम ये बाब अल मंदेब की जल संधि कर रही है। तो इस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए, गौरव जी आपको भी बताया तो कि अब सर पूरी तरह से ठीक है और बहुत जल्दी आपकी क्लासेस लेंगे, तो अभी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस रहे। तो मैं ये कह रहा था कि लाल सागर
और फिर इसके बाद जो है अदन की खाड़ी, स्वेज नहर, इसमें बाब अल मंदेब की जल संधि भी ले ले, ये क्षेत्र आता है एशिया और अफ्रीका की सीमा पर। तो आप इसे एशिया का बॉर्डर देख सकते हैं जो अफ्रीका से इसे अलग कर रहा है, एशिया का बॉर्डर यूरोप से जो बनता है वो भी समझ लिया, अफ्रीका से जो बनता है वो भी समझ लिया, महासागरों की अवस्थिति भी आपने समझ ली, ठीक है। हाँ, मीता मलिक जी आप पूछ रहे हैं कि सर 50% जो ऑफ है वो जीएस के ओल्ड स्टूडेंट के लिए है या भारती सर के भी ओल्ड स्टूडेंट के लिए है। भारती सर के भी ओल्ड स्टूडेंट के लिए मैंने ये फीस रखी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ के पुराने छात्र हैं उनके लिए ये डिस्काउंट दिया गया, ह्यूज डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट ले करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर इसके बाद जब हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका से एशिया को अलग करने वाले, तो मैंने कहा तीन नाम कम से कम जरूर याद रखिएगा। जब हम बात कर रहे थे यूरोप और एशिया की सीमा पर, तो मैंने कहा छह नाम जरूर याद रखिएगा। अब इसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो ये कहता है व्हाइल द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स इट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तर अमेरिका से एशिया को कौन अलग कर रहा है, बेरिंग जल संधि, जैसे अभी मैंने बात की थी। बिल्कुल शुभम जी, इस बार जीएस में सारा पोर्शन साइंस छोड़कर मैं ही आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ज्योग्राफी भी आपकी मैं तैयार कराऊंगा, हिस्ट्री भी आपकी मैं तैयार कराऊंगा, इकोनॉमिक्स भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, और आप पढ़ने के बाद बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर होंगे, आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे कि वर्क करने के बाद ही आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपका फाउंडेशन लेवल इतना अच्छा हो जाए कि आप कहीं ना कहीं जो है वो कुल मिलाकर के जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकें। अच्छा मीता मलिक जी, मैं इसके बारे में थोड़ा कंफर्म कर लूंगा, फिर आपको मंडे की क्लास में और कंफर्मेशन दूंगा। मैं जरा बात करता हूं क्योंकि मैंने ऑफर पर यह बात की थी, तो एक बार यहां के टीम से मैं डिस्कस कर लूं कि भाई सबको दिया जाए, रिक्वेस्ट करूंगा आपके बिहाफ पर, ठीक है, तो जिससे सभी को इसका फायदा मिले, बिल्कुल हेल्प करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बेरिंग स्ट्रेट की बात कर रहा था, बेरिंग जल संधि की बात कर रहा था, और बेरिंग जल संधि को किस रेफरेंस में मैंने कहा, फिर एक बार याद करिए बच्चों जो बात बताई, इंटरनेशनल डेट लाइन के पास ही मैंने बेरिंग स्ट्रेट की बात की। आप एटलस खोलकर देखिए, बेरिंग जल संधि दिखाई दे रही होगी, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन का पार्ट, नीचे बेरिंग सी। तो जो आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है, जो कि आप नीचे जो है बेरिंग सागर से जुड़ता हुआ देखेंगे, उसी के बीच में पड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग जल संधि का जिक्र मैंने अभी यहां पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बात करते समय की थी कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर आप देखें तो ऐसे जा रहा है, लेकिन फिर ऐसे यहां टर्न होने लगा। तो जो ये टर्निंग हो रही है, यहीं पर आपको दिखेगा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, एटलस है, आप सब जरूर देखिए। तो बेरिंग जल संधि के इस पार देखिएगा जरा, आप यहां पर आपको कौन सा भूभाग ऐसे दिखाई देगा, एक रफली मैप मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप एक यहां पर लैंड पोर्शन इस तरह से देखेंगे, इसी का नाम है अलास्का, और अलास्का आप सब जानते हैं किस कंट्री का पार्ट है, यूएसए का, यूएसए का एक स्टेट है। तो यूएसए का जो ये रीजन है अलास्का, ये आप देखें इंटरनेशनल डेट लाइन के इस पार है, बेरिंग जल संधि यहां पड़ती है जो कि आर्कटिक ओशियन को बेरिंग सी से जोड़ रही है, और इसी के इधर जब आप आते हैं तो यहां पर आप देखते हैं क्या है, साइबेरिया। और जैसा कि आप सब पढ़ चुके हैं कि साइबेरिया एशिया का पार्ट है, अलास्का नॉर्थ अमेरिका या यूएसए का पार्ट है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एशिया के पड़ोस में वो उत्तर अमेरिका भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर अमेरिका और इधर जो है वो एशिया, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, तो जो यहां बेरिंग स्ट्रेट है, वही लिखा है व्हाइल द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स इट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यानी अफ्रीका से कौन अलग कर रहा है ये क्लियर हो गया, यूरोप से कौन अलग कर रहा है ये क्लियर हो गया, और फिर यहां पर जो है वो बेरिंग स्ट्रेट जो इसे उत्तर अमेरिका से अलग कर रहा है ये हो गया, ठीक।
अब आगे बात करते हैं, लिखा है द मलय आर्किपेलागो इज यूजुअली डिवाइडेड बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये ज्यादा अच्छा रहेगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैप पर भी आप बच्चों जरूर देखते जाइए, और इसीलिए मैं बार बार मैप यूज कर रहा हूं कि अगर आप देखें तो यह आपको पोर्शन जो दिखाई देगा यहां, यह क्या है, बेरिंग सी, और इधर आप देख रहे हैं ये क्या है, आर्कटिक ओशियन। एटलस वर्क करते रहिएगा। बिल्कुल दीपक राज जी, आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा, बल्कि आपको बता दूं क्लास नोट्स के लिए मैंने खुद वर्क किया। आपको बिलीव ना हो तो मैं दिखाता हूं कि आपको जो पढ़ा रहा हूं इस पर सारी चीजें मैं लिखकर ला रहा हूं। मैंने जितनी चीजें भी पढ़ानी शुरू की है अभी जीएस में, पूरा अपना रिटर्न मैटर में इस बार बच्चों को देने जा रहा हूं। एक एक चीज लिख कर लाता हूं, खुद से बैठ करके नोट्स तैयार कर रहा हूं, जो भी आपसे डिस्कस करता जा रहा हूं वो सारी चीजें चाहूंगा कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती जाए। पीडीएफ फाइल बनाने के साथ आपको इसलिए दी जा रही है कि आप चाहें तो अपना ऑनलाइन क्लासेस में उसे देख भी सकते हैं, देख करके खुद लिख ले तो और अच्छी बात है, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा सा मेहनत से बचना चाहते हैं, तो एक तरीका है कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, आज इंटरनेट की पहुंच ग्लोबल है, हर जगह है, तकनीकी की पहुंच हर जगह है, आज तो ग्रामीण दूरदराज इलाकों में भी कंप्यूटर सेवाएं उपलब्ध हैं, तो आप कहीं से भी जाकर इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करके आप डायरेक्ट पढ़कर खुद से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, ना पूरा लिखे शॉर्ट में। मैंने तो आपसे कमिटमेंट किया था बोर्ड पर जो कुछ भी आएगा वो तक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, तो समझना ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने हिदायत जो दी उसका आप पालन करें कि आप पेन और पेपर मोड में ही क्लास में बैठे। देखिए, पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि मेरी क्लास का पर्पज एंटरटेनमेंट नहीं। आज ऑनलाइन क्लासेस में आप देखते एक बाढ़ सी आई है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो एंटरटेनमेंट का एक मोड बनता जा रहा है। मैं उस तरह की भेड़चाल में बहुत विश्वास नहीं रखता, मैं किसी पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चों एक बात आप समझिए कि आपके समय की बहुत बड़ी कीमत है। ये समय आप जितना पढ़ाई में लगाएंगे, जितना अटेंटिव होंगे, जितना सीरियस होंगे, ये आपके भविष्य को तय करने वाला है। भले ही आपको आज इंटरटेनमेंट मिल रहा हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप दो दो घंटे क्लास लेते हैं, प्रोडक्टिव रूप से आपको मिलता है मैटर 15 मिनट का, एक ही बात जो है वो एक घंटे तक समझाई जा रही, लेकिन उसको समझाने के वे में बियॉन्ड द टॉपिक बहुत सारी अनर्गल बातें होती, और इस चीज से मैं इसलिए बचने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा मैटर है, इतना कंटेंट है कि मुझे कई बार क्लास कम लगने लगती। मेरा बस चले तो मैं जीएस आपको जो है वो 6 नहीं बल्कि 10 महीने पढ़ाऊं, लेकिन बच्चों के सीमित संसाधन और समय को ध्यान में रखते हुए उसे कंसाइज करना हमारी भी मजबूरी। लेकिन मैं कंसाइज करने का निर्णय नहीं हुआ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है छूट जाए। मैं चाहूंगा हर बच्चे को ज्योग्राफी नहीं, हर सब्जेक्ट जीएस का इतना फंडामेंटल तरीके से तैयार हो जाए कि उसे लगे जो चीज मैं टफ मान रहा तो बहुत आसान है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता, सब तो एटलस पर है सर, उसे फैक्ट के रूप में लिखा दे रहे हैं, एग्जाम में आएगा आंसर दे सकेंगे। तो अपने समय की कीमत पहचानिए, आज आपका समय इतना मूल्यवान है, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है कि आपके भविष्य को निर्धारित करने जा रहा। आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आपका भविष्य क्या होगा यह आप जानिए। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं मेरी क्लास में कम से कम जरूर अटेंटिव होकर बैठे, और उम्मीद करता हूं मैं कुछ भी पूछूं उसका उत्तर दें, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। हर तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करूं। मैंने अगस्त के महीने में दिल्ली पुलिस के बैच में भी इसी तरह से शुरुआत की थी, लेकिन बच्चों दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटना घट गई परिवार में जिसके कारण मैं उनको संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा सका। जबकि इस बार मैं जो है वो सभी तरह की समस्याओं से जूझते हुए एक कमिटमेंट के साथ आया हूं कि जो भी मेरी व्यक्तिगत अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं उसे मैं देखते हुए भी समय कुछ इस तरह से मैनेज करूंगा कि बच्चों का जीएस का लेवल इतना अच्छा हो जाए, फाउंडेशन लेवल इतना अच्छा हो जाए कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो बहुत कंफर्टेबल रहे। तो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आपको भी मेरे साथ बराबर मेहनत करनी होगी, क्योंकि फिर मैं एक बात कहूंगा, सफलता आपकी आपके हाथों में है।
कोई आपको अलग से सफलता नहीं दिला सकता, मैं सफलता नहीं दिला सकता, मैं सिर्फ आपका सही मार्गदर्शन कर सकता हूं, सही गाइडेंस दे सकता हूं। तो चलिए हम लोग फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं। हाँ, यूपीएसआई के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, सभी बच्चों को फायदा पहुंचाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में इक्वली कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि मैं जीएस इस तरह से फंडामेंटल पढ़ा ही रहा हूं। हाँ, तो मैं आगे बात करने जा रहा था कि जब हम यहां पर बेरिंग सागर को देखते, आर्कटिक सागर को, तो इन दोनों का एक नैरोअर पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है, और इसी नैरोअर पार्ट का नाम देखिए एटलस में क्या लिखा होगा, यहां लिखा होगा बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि। और बेरिंग जलसंधि के इस पार जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये लैंड पार्ट आप देख रहे हैं, यही है अलास्का। तो अलास्का से ये आप देख रहे हैं एशिया का जो भूभाग है, वो बेरिंग जलसंधि के इस पार अलास्का यानी नॉर्थ अमेरिका आ गया, उससे अलग हो रहा। तो अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है, विच स्टेट सेपरेटेड एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आया तो आप तुरंत आंसर क्या लगा देंगे, बेरिंग जलसंधि। क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहां पर ये कह रहा है द मलय आर्किपेलागो, एक टर्म आ गया बच्चों, यहां पर लिखा है आर्किपेलागो, ठीक है। आर्किपेलागो को हिंदी में हम लोग कहते हैं द्वीप समूह, आइलैंड अपने आप में एक टापू होता है, द्वीप होता है, और द्वीपों की जब एक श्रृंखला सी बन जाती है, बहुत सारे टापू सैकड़ों हजारों में, तो उसे आर्किपेलागो कहा जाता है। तो मलय आर्किपेलागो का मतलब हो गया मलय द्वीप समूह, इज यूजुअली डिवाइडेड बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब फिर देखिए, एशिया की बात हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। आप सोचेंगे सर कहां ऑस्ट्रेलिया कहां एशिया, इन दोनों के बीच में अब क्या आ गया। तो मलय आर्किपेलागो या जो मलय द्वीप समूह है वो क्या करती है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करती है। मोस्ट कॉमनली अलोंग द एंथ्रोपोलॉजिक मेलेनेशियन लाइन और विबर लाइन, यानी एक मानव जनित सीमा रेखा बनाई गई जिसे मेलेनेशिया लाइन कहा जाता है, या इसे विबर लाइन भी कहते हैं। ये बेसिकली यही मलय आर्किपेलागो और मलय द्वीप समूह है जो यहां पर इसे सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये मलय आर्किपेलागो का एक पार्ट है, वेस्टर्न हाफ इसका, मलय द्वीप समूह को अभी मैं मैप पर भी दिखा रहा हूं, उसका जो पश्चिमी आधा हिस्सा जिसे न्यूगिनी आइलैंड के नाम से जान, ये ज्योग्राफिकली पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, भौगोलिक रूप से तो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, लेकिन पॉलिटिकली इस पर कंट्रोल किसका है, इंडोनेशिया का। यानी मलय आर्किपेलागो का जो ये पार्ट है गिनी द्वीपमाला, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं न्यू गिनी एंड गिनी, तो भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर एशिया में इंडोनेशिया का नियंत्रण है। तो अब जरा इमेज के रूप में भी आप देख लें तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ये जो क्षेत्र आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र, यही है मलय आर्किपेलागो यानी मलय द्वीप समूह। ये पूरा द्वीपों की एक श्रृंखला आप देख रहे हैं चली आ रही इंडोनेशिया में, और यहां पर आप देखिएगा गिनी आइलैंड है, इरियन जाया एटलस में, इसको आप खोलकर बहुत अच्छे से समझ ले, इमेज दिख रही होगी, एशिया का फिजिकल मैप खोलिए, और इसमें आप पाएंगे इस तरह से जो यहां पर ये इरियन जाया का पार्ट है, या जो गिनी न्यू गिनी आइलैंड है, भौगोलिक रूप से इधर ही ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे में आप पाएंगे कि भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो भले ऑस्ट्रेलिया का भाग है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडोनेशिया में इसे दिखाया जा रहा, क्यों, क्योंकि राजनीतिक रूप से इस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है, तो इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच का विभाजन माना जाता है। तो कुल मिलाकर भौतिक रूप से जो मैप आपके सामने ये बना हुआ फिजिकल एशिया, इससे कई बातें स्पष्ट हुई, एक बार ब्रीफ में फिर से देख लेते हैं और उसी को आप नोट डाउन कर लेंगे कि
क्या देख रहे हैं, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर अवस्थित है, आंसर क्या लगाएंगे, आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर अवस्थित है, आंसर क्या हो गया, हिंद महासागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर अवस्थित है, प्रशांत महासागर। एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित करने वाली कौन कौन सी जो है पर्वत श्रृंखलाएं, सागरीय भाग या फिर जो है झील या नदियां हैं, कुछ भी पूछ ले। तो आप देख रहे हैं कि यहां से शुरू करें, नंबर एक पर क्या बताया था, यूराल माउंटेन। नंबर टू पर क्या बताया था, यूराल रिवर। नंबर थ्री पर आपको क्या बताया था, देख पा रहे होंगे, कैस्पियन सी। फिर नंबर फोर पे आपको बताया था काकेशस पर्वत। नंबर फाइव पर आप देख रहे हैं ब्लैक सी और सिक्स मेडिटेरेनियन सी। ये बांटता है यूरोप से एशिया को, अलग करता है। जबकि आप जानते हैं यूरोप और एशिया का जो भूभाग है ये एक ही मैसिव लैंड मास का पार्ट है, ठीक है। इसी पूरे पार्ट को जो है यूरेशिया कहा जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा अगर देखें तो अंगारा लैंड से टूटकर अलग हुआ था, यानी जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है, वही पेंजिया जब दो हिस्सों में टूटा था, उत्तर की ओर एक गया, वो गया अंगारा लैंड, एक दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड की भूमि का हिस्सा है वही है यूरोप और एशिया, और यूरोप और एशिया जो है वो मैसिव लैंड मास या लैंड ब्लॉक एक ही था, और इसीलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। लेकिन यूरोप जो है वो एशिया से इस सीमा के द्वारा अलग होता है, तो इसलिए इस पर प्रश्न आ सकता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं एशिया के पड़ोस में इधर अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो स्वेज कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, बाब अल मंदेब की जल संधि, याद रहेगा। तो कौन कौन से महासागरीय भाग हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से मलय प्रायद्वीप, सॉरी मलय द्वीपमाला में जो ये न्यूगिनी आइलैंड का क्षेत्र है वो एक तरीके से सीमा मानी जा सकती है ऑस्ट्रेलिया और एशिया की। फिर इधर मैंने बताया बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका से एशिया को अलग करता है। तो ये सारी चीजें आपने एटलस पर वर्क कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, और बाकी जो तथ्यात्मक जानकारी थी इस पर वो मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में दे दी। ये पूरा का पूरा मैटर आप नोट डाउन भी कर ले, अपने वर्डिंग में लिख ले, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज इसका मैंने पहले ही आपसे कहा है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैटर मिलता जाएगा, जो भी बोर्ड पे भी मैं लिखूंगा। लिखते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो और भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ फाइल में मिलता जाए, चिंता मत करिए। मैटर प्रोवाइड करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझाना जरूरी है, नोट्स बनाना भी जरूरी है, क्योंकि केवल लेक्चर देकर अगर मैं आगे बढ़ता गया तो आज हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, कुछ तथ्य याद भी हो रहे हैं, लेकिन 10 ही दिन बाद वो फैक्ट भूल सकते हैं, रिवीजन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए प्रिंटेड फॉर्म में या रिटन मैटर आपके पास होना बहुत जरूरी, जिससे आप बार बार उसे पढ़ सकें। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रेफरेंस मैंने जरूर बता दिया था, लेकिन ये उन बच्चों के लिए कहा था जो कई बार नहीं मानते कि नहीं सर कुछ किताब ही बता दीजिए जिसको मैं पढ़ूं। तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कहा था एनसीईआरटी सबसे फंडामेंटल है, बाकी एनआईएस की बुक भी आती है नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जिसे जानते हैं, या इग्नू के मटेरियल आते हैं, सविंदर सर की बुक आती है, डीके खुल्लर की बुक आती है, तो बहुत सारी मार्केट में अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप किताबों का भंडार ना जमा करें, मेरा मानना है कंटेंट एक ही हो, एक ही कंटेंट को आप बार बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें। आप 10 किताबों को पढ़ने के से बेहतर है एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, क्योंकि भले ही आपको लगे मैंने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ाई में और तैयारी में एक फर्क होता है। पढ़ने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिन्हें हमें रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि एशिया के पड़ोसी या प्राकृतिक सीमाओं के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी इस पर जो है वो कुछ चीजें मैंने डायग्राम के माध्यम से सामने रखी, जिससे और क्लियर हो जाए, कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, तो पूरा डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसे आप बना ले, लिख ले, और फिर मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा।
उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको भी थोड़ा सा समझ ले। वही बात जो अभी आपको बताई थी उसी को एक डायग्राम के फॉर्म में रख दिया। आप एशिया को सेंट्रल में रखकर उसके बाद नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन बनाकर, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, फिर ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, इस तरह से ये साउथ ईस्ट हो गया, ऐसे डायरेक्शन रखकर जो है आप चीजों को समझें। तो एशिया के नॉर्थ में देखिए मैंने लिख दिया क्या है, आर्कटिक ओशियन जो अभी बताया था आपने मैप पर भी देखा। एशिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। एशिया के ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन। फिर इसके साथ एशिया के पश्चिम की ओर जो अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार मिलता है, अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली कौन कौन से क्षेत्र है, तो स्वेज कनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, बाब अल मंदेब की जल संधि। ठीक है, तो जल संधि के बारे में बहुत ब्रीफ में आपको इसलिए बता दिया जिससे कई बार ऐसे टर्म आ जाते हैं ज्योग्राफी के कि बच्चों के मन में डाउट होने लगता है सर ये है क्या। तो स्ट्रेट वाटर बॉडी का ही एक ऐसा नैरोअर पार्ट होता है, जलीय निकाय होता है, एक सकरा सा जलीय निकाय जो दो अलग अलग जलीय भागों को जोड़ता है। जैसे अभी क्या बताया कि जो बाब अल मंदेब की जल संधि है वो किन दो जलीय भागों को जोड़ती है, तो मैंने कहा रेड सी यानी लाल सागर को ये गल्फ ऑफ अदन यानी अरेबियन सी से जोड़ती है। ठीक है, अरब सागर का ही पार्ट है गल्फ ऑफ अदन, एक नैरोअर वाटर बॉडी है। तो ये जो है एशिया को अफ्रीका से सेपरेट करते हैं, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका से एशिया को अलग कर रहा है, यानी बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका से अलग कर रहा है। खासकर बेरिंग स्ट्रेट के इस पार आप देखेंगे साइबेरिया का पार्ट है और इधर नॉर्थ अमेरिका अलास्का है, तो अलास्का और साइबेरिया को अलग कर रहा है, यानी साइबेरिया मतलब एशिया, अलास्का मतलब नॉर्थ अमेरिका। तो चाहे आप ऐसे बोले कि एशिया और उत्तर अमेरिका को बेरिंग जल संधि अलग करती। ऐसे यहां पर मलय आर्किपेलागो की मैं बात कर रहा था, मलय द्वीप समूह की बात कर रहा था, जिस पर आप पाएंगे न्यू गिनी आइलैंड है, बहुत बड़ा द्वीप है, और न्यू गिनी आइलैंड भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, राजनीतिक रूप से इसमें से जो इसका आधा हिस्सा है पश्चिमी भाग उस पर अधिकार किसका है, इंडोनेशिया का, इरियन जाया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम न्यू गिनी आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सीमा मान लें। तो सारी सीमाएं आपको स्पष्ट हो गई होंगी, मैप भी आपने कर लिया होगा, और इसके साथ साथ आपने जो है यहां पर इसके साथ साथ जो तथ्य आपको मैंने बताया लिख लिए होंगे। मान बिल जी इतनी देर में आपको यह समझ में आया पूरी राम कहानी हो गई, तब जाकर आप पूछ रहे हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो। तो अभी तक आप कहां थे, ये टॉपिक चल रहा था एशिया के फ्रंटियर के बारे में, एशिया की सीमाओं के बारे में, कि एशिया की कौन कौन सी सीमाएं किसके साथ लगी हैं। जैसे आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि एशिया और अफ्रीका की सीमा किससे निर्धारित होती है, आंसर यहां से आएगा। एशिया और यूरोप की सीमा किससे निर्धारित होती है, आंसर यहां से आएगा। ये ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर है और टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। तो क्लास में आप सब कोशिश करें टाइमिंग पर आए, और इसके साथ साथ आप प्रीवियस वीडियो जो छूट गए उसको देख कर आए, जिससे आप आगे की क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ पाए। वैसे एक और बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी डेमो क्लासेस, अच्छा कोई बात नहीं है मान बिल जी, आउटसाइड से भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरी हिदायत यह है कि अगर कोई भी क्लास ले रहे हैं तो प्रॉपर सीरीज मिले। जैसे पहली क्लास इंट्रोडक्टरी थी, दूसरी क्लास मैंने पहला टॉपिक शुरू किया था वो कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक बेसिक बात बताई थी, ज्योग्राफी शुरू किया था, और इसके साथ साथ यहां पर आज सेकेंड लेक्चर चल रहा है एशिया के बारे में। तो अभी मैं बहुत स्पीड में इसीलिए नहीं हूं कि आप सब एक बार जो है कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाए, चीजें समझ जाए, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर एशिया के फ्रंटियर पर 50 तरह से प्रश्न बन सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अब सभी प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अब अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं एशिया के ही संदर्भ में, एशिया के रिस्पेक्ट में ही, वो आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एशिया, एशिया के राजनीतिक प्रदेश।
तो जब हम एशिया के राजनीतिक प्रदेशों की बात करेंगे, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एशिया की बात करेंगे, तो एशिया को अध्ययन की सुविधा के लिए 6 राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी कि एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हम एशिया को पॉलिटिकली 6 अलग अलग रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप अगर एशिया का मैप खोलें, आप सबके पास एटलस है, और एटलस पर आप बराबर वर्क करते रहिएगा जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो एक बात आप ध्यान देंगे कि जो एशिया का क्षेत्र है राजनीतिक रूप से, वो पाएंगे 6 भागों में बटा हुआ, 6 रीजन में बटा हुआ। पॉलिटिकली इसे हम 6 एरिया में, 6 रीजन में बांट सकते हैं। तो एशिया के पॉलिटिकल मैप में आप अगर देखें तो आप यहां क्या पाएंगे कि एक रीजन है दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, ठीक इसी तरीके से आप पाएंगे एक रीजन है वेस्ट एशिया भी कहते हैं, इसे साउथ वेस्ट एशिया कहते हैं। अभी मैं मैप पर भी आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो यहां पर एक साउथ एशिया का पोर्शन है, दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, और एक साउथ वेस्ट एशिया है, दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यह है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो एक साउथ एशिया हो गया, एक साउथ वेस्ट एशिया हो गया, फिर इसके बाद एक साउथ ईस्ट एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया, फिर एक ईस्ट एशिया हो गया, और एक फिर जो है इसके बाद नॉर्दर्न एशिया, और एक फिर सेंट्रल एशिया। तो एशिया को हम लोग इन 6 रीजन में बांट सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो एशिया का एक बार पॉलिटिकल मैप लें, ठीक है, और इस पॉलिटिकल मैप में अगर हम देखें तो यहां पर क्या पाएंगे कि जो ये पोर्शन है इंडिया का, यानी भारत, इसमें भारत दिख रहा है आपको, बांग्लादेश है, नेपाल है, फिर भूटान है, इधर श्रीलंका है, ये मालदीव का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और ये अफगानिस्तान तक, इस पूरे रीजन को ही अगर आप एशिया का मैप सामने है तो खुद देखकर ये बोल सकते हैं एशिया के किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे साउथ में है। तो ये है साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं अगर हम इसकी बात करें, देखिए सबसे पहली चीज तो ये स्पष्ट कर दूं कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, अगर हम 2017 के यूएन रिपोर्ट को बेस बनाए, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई 2017 की, जिसके आधार पर उसने डिक्लेयर किया कि एशिया में देशों की कुल संख्या कितनी है 48, यानी लगभग 50 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं, 50 कंट्रीज हैं। तो नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास, 48 बताया यूनाइटेड नेशन ने 2017 की अपनी रिपोर्ट में, और साथ में इसने क्या किया, इसमें 3 डिपेंडेंसीज को भी शामिल किया। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है अधीनस्थ राष्ट्र, हिंदी में कहते हैं अधीनस्थ राष्ट्र, इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज टर्म का मतलब यह हो गया कि कोई एक ऐसा लैंड पार्ट जो अपने आप को इंडिपेंडेंट तो मानता है लेकिन पॉलिटिकली इस पर कंट्रोल किसी और का, समझ रहे होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, मान लीजिए मैं नाम लिखूं हांगकांग, तो शायद आप सब जानते हैं कि हांगकांग पर पॉलिटिकली कौन कंट्रोल कर रहा, हांगकांग पर नियंत्रण किस देश का बना हुआ राजनीतिक रूप से। तो ये अपने आप को एक कहीं ना कहीं स्वतंत्र स्थिति या स्वतंत्र हैसियत में देखता है लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर नियंत्रण जो है वो चाइना का। तो यूनाइटेड नेशन हांगकांग को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के स्टेटस में तो नहीं रख रहा लेकिन क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी, अधीनस्थ राष्ट्र। ऐसे ही आप देखेंगे एक क्षेत्र है मकाऊ, ऐसे ही एक और क्षेत्र है ताइवान,
तो यूनाइटेड नेशन के 2017 के रिपोर्ट में बताया गया कि एशिया में देशों की कुल संख्या 48 है, और इसमें उसने 3 डिपेंडेंसीज को भी शामिल किया, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान को। तो अब इन्हीं देशों के बारे में अगर हम देखें पॉलिटिकली, हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम एशिया को 6 अलग अलग रीजन में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से रीजन है? तो एक मैंने कहा साउथ एशिया। अब अगर आप देखें तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत वो कुल कौन कौन से देश आते हैं, कुल कितने देश आते हैं, ऐसा भी पूछ ले। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत सबसे बड़ा देश तो भारत ही है, दिख रहा आपको मैप में। भारत के साथ जितने भी पड़ोस में लगे हुए देश हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो ये नाम तो आपको जरूर याद रहेगा। यानी पाकिस्तान, भारत 2 हो गए, नेपाल भूटान 4 हो गए, बांग्लादेश 5 हो गए। फिर छठा पड़ोस में है श्रीलंका, इधर मालदीव भी इसी में 7, और फिर ये अफगानिस्तान 8। ये 8 देश ही दक्षिण एशिया के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग शायद यह भी जानते हो कि इन्हीं दक्षिण एशियाई देशों का यानी जो चीजें मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था वो मैं यहां साथ में लिखता भी जा रहा हूं बोर्ड पर, और बोर्ड पर इसीलिए लिख रहा हूं कि इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिलता जाए। एक तो आपके सामने एक डायग्राम इस तरह से चार्ट रख दिया जिससे आप 6 प्रदेशों के बारे में जान सकें। तो एशिया के कुल 6 प्रदेश कौन से हैं, राजनीतिक रूप से कौन से 6 रीजन हैं, साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, और फिर एक एक जो है रीजन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था 2017 के यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार एशिया में देशों की कुल संख्या 48 है, और यूनाइटेड नेशन के अनुसार रूस को राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये यूरोप का भाग माना जाता है, पॉलिटिकली ये यूरोप का हिस्सा है, जबकि यूनाइटेड नेशन ताइवान, हांगकांग और मकाऊ जैसे 3 अधीनस्थ राष्ट्रों को भी मान्यता प्रदान करता है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट एज ऑफ 2017 देयर वर 48 कंट्रीज इन एशिया। पॉलिटिकली रशिया इज काउंटेड एज ए पार्ट ऑफ यूरोप बाय द यूनाइटेड नेशन। द यूएन आल्सो रिकॉग्नाइज 3 डिपेंडेंसीज, नेमली ताइवान, हांगकांग एंड मकाऊ। जो बात मैंने बोली वो आपके सामने रिटर्न फॉर्म में, बेहतर रहेगा साथ में आप लिखते भी जाएं, चीजों को सुनते भी जाएं। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा था कि ये जो 48 देश आप देखेंगे इन्हीं को राजनीतिक रूप से अलग अलग रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इनको हम 6 अलग अलग प्रदेशों में बांट सकते हैं। तो 6 कौन से प्रदेश हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये 6 प्रदेश हैं, दक्षिण एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, उत्तर एशिया, मध्य एशिया। तो जब हम इतना समझ गए तो क्यों ना अब यहां पर यह भी देख लें कि किस एशिया के अंतर्गत या किस रीजन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, उसी पर मैं बात कर रहा था। और जब हम उस पर बात करेंगे तो इसमें जैसे मैं मान लीजिए सबसे पहला लूं, तो पहला क्या हम लेंगे, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया पर अभी अभी मैंने काउंट करके आपको बताया कि इसमें हम 8 देशों को शामिल कर सकते हैं। कौन कौन से 8 देश? तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा देश तो इंडिया ही, भारत। इसमें हम पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम नेपाल को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम भूटान को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम श्रीलंका को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम मालदीव को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे जो देश हैं यानी कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन एक छूट रहा है भाई? तो इसमें एक अपना पड़ोसी बांग्लादेश छूट रहा है, इसे भी इंक्लूड करिए।
तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ये सब जो देश हैं साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के बारे में मैं कह रहा था, शायद आप लोगों को यह बात मालूम हो कि ये जो देश है इनका अपना एक राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन भी है। ठीक है, इन देशों का अपना एक राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन है, यानी आप बोल सकते हैं रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ा बेसिक सा चीज आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, इसका जरा आंसर आप खुद दीजिए, मैं वेट करूंगा। विद इन वन मिनट में इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं कि दक्षिण एशिया के इन आठ देशों का कौन सा एक राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन अस्तित्व में है। यानी टुडे अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ऑफ एट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो आपको उसका नाम बताना है कि आज की तारीख में इन आठ दक्षिण एशियाई देशों का एक राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन अस्तित्व में है, उस राजनीतिक अंतर सरकारी संगठन का नाम क्या है। शब्द को समझिए, पॉलिटिकली ये सब अपने आप में कंट्रीज है, इन कंट्रीज के बीच में एक कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना, अंतर सरकारी संगठन बना। बिल्कुल सही, अनुराग सिंह राणा ने आंसर दिया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में दक्षेस और इंग्लिश में कहते हैं सार्क। ठीक है, फुल फॉर्म ही देखिए इसका, आप जानते होंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका नाम, इसी का एब्रिविएशन फॉर्म है यहां पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को दक्षेस या सार्क के नाम से जाना जाता है। यह इन्हीं आठ देशों का संगठन है। अब अगर मैं इसी पर आपसे अगला प्रश्न पूछ लूं कि जो अंतर सरकारी संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 8 दिसंबर 1985 को इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। 1985 में सार्क संगठन बनाया गया था। और इसके साथ साथ आप यह भी जानते होंगे कि इन्हीं सार्क देशों का दक्षेस का हेडक्वार्टर जो है वो कहां बनाया गया, यह तो कम से कम जवाब दीजिएगा। अनुराग जी फिर से एक बार ट्राई करिए और आपका उत्तर मुझे उम्मीद है सही होगा, दक्षेस का या सार्क देशों का मुख्यालय कहां है। सभी लोग आंसर दिया करिए, जो जानते हैं वो, मैं ये नहीं कर रहा हूं नहीं जानते तब भी आंसर दें, लेकिन ये सब ऐसे प्रश्न है जिस पर मैं उम्मीद कर लेता हूं कि आप जानते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जीएस जीरो से ही पढ़ रहे हैं। जीएस अपने आप में एक ऐसा विषय है जिससे आप स्कूलिंग लेवल से ही पढ़ रहे हैं, तब वहां पर जीएस नाम नहीं था। वेरी गुड, अरुण कुमार जी ने आंसर दे दिया। अनुराग सिंह जी आपने पूरी कंट्री का ही नाम बता डाला, पर्टिकुलर जो प्लेस है बिल्कुल सही, आपका भी आंसर सही अनुराग जी, उस जगह का नाम हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका यहां पर जो है वो मुख्यालय बनाया गया। तो ये हो गया दक्षिण एशिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पर आ जाते हैं, वो हो गया पश्चिम एशिया। साउथ वेस्ट एशिया, इसकी बात करें, एटलस आप सभी के पास है, आप उसे देख भी रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि जैसे एक देश है, देखिए आप सऊदी अरब,
ठीक है, इसी तरीके से ईरान, इराक, कुवैत, यमन, यूएई, हिंदी में इसी को कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, बहरीन, सीरिया, ओमान, टर्की, कतर, इज़राइल, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन को भी इसमें हम इंक्लूड कर लें। हालांकि इज़राइल और फिलिस्तीन में विवाद चल रहा है, आप जानते ही हैं, लेकिन कम से कम अगर मेजर कंट्रीज जो साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं उनको देखें तो लगभग सभी के नाम मैंने सामने रख दिए हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यमन, यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात बड़ी फेमस जगह आज की डेट में, दुबई यहां का बहुत फेमस शहर भी आप जानते हैं, ठीक है, यहां पर एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है शारजहां, इन सब पर भी कुछ बातें मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो देश हैं इन्हीं को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया, ऐसे देश इसके अंतर्गत शामिल आते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इन सभी क्षेत्रों को ही यूरोपियन लोगों ने एक नाम दिया, ये इसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, यानी यूरोपीय लोगों ने इसे मध्य पूर्व की संज्ञा दी है, किसे, साउथ वेस्ट एशिया को, या इन देशों के समूह को ये मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। अब इसका कारण क्या है जरा आप देखें, तो अगर आप एक चीज नोटिस करें, ये ग्लोब मान लें, ग्लोब में ये आप पाते हैं जीरो डिग्री देशांतर, इसके इधर ये पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और यूरोप के तरफ से अगर आप देखेंगे तो ईस्ट की साइड में आएगा, यानी यूरोप के लोगों ने, यूरोप वासियों ने अगर इन्हें मध्य पूर्व कहा तो इसके कहने की एक वजह यह थी कि ये यूरोप के पूर्व की ओर फैले हुए देश हैं, यूरोप के ईस्ट साइड में है, और दूसरा अगर आप देखें तो एशिया के सेंट्रल पार्ट से लगे हुए, मध्य भाग से लगे हुए, तो यूरोप के पूर्व में इसका विस्तार होने के कारण और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो है मध्य में स्थित होने के कारण यूरोप वासियों ने इसे मध्य पूर्व की संज्ञा दी। तो साउथ वेस्ट एशिया के बारे में भी समझ गए, हालांकि इन देशों की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन बृहत स्तर पर हम लोग अभी एशिया का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं पर्टिकुलर एक एक कंट्री पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी चीजें कम से कम जरूर जानिए कि साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, एटलस में उसे आप मार्क करते चले जाइए। बल्कि एक हिदायत यहां पे मैं दूंगा, एक असाइनमेंट समझिए इसको आप, जैसे सार्क कंट्रीज के नाम बताएं, उनकी राजधानी भी प्रश्न पत्र में पूछी जा सकती है, तो आपके किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न आने की उम्मीद तो नहीं कि भारत की राजधानी क्या है, बच्चा बच्चा जानता है, स्कूलिंग लेवल पर बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, तो इस स्तर पर आकर तो यह प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हां यह बात अलग है कि आप सार्क के 8 देश जो दक्षिण एशिया के देश है सबकी राजधानी जानते हैं, फिर ऐसे दक्षिण पश्चिम एशिया के सभी देशों की राजधानी आप जानिए, और ये मैं एक एक करके लिखाऊंगा नहीं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपके पास एटलस है, एटलस में से इन देशों का नाम आप देखकर लिखिए अपने नोटबुक में, सामने कैपिटल का नाम लिखिए, राजधानी का नाम लिखिए, प्रश्न पत्र में इस पर भी प्रश्न आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से नहीं, गौर मोहित जी पूछ रहे हैं सर दिल्ली पुलिस बैच में मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, क्या वो एसएससी सीजीएल के लिए एनएफ है? नहीं गौर जी, दिल्ली पुलिस का लेवल एग्जाम का बहुत डिफरेंट है और सीजीएल का लेवल आज की डेट में काफी एडवांस हो चुका। आप सब जानते हैं कि जो सीजीएल में आगे एग्जाम होने जा रहा है वो एक नए पैटर्न पर होने जा रहा है, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में स्टैंडर्ड और बढ़ेगा,
तो गौर जी, अगर आप ये सोचें कि दिल्ली पुलिस में जीएस पढ़ लिया तो उससे आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं होगी। आप खुद महसूस कर सकते हैं, मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं, जो दिल्ली पुलिस के बैच में आपने पढ़ा है, वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच मिलेगा। अगर आप फर्दर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखिए कई बार बच्चों के मन में एक ये भी गलत फहमी होती है कि हमने जीएस कुछ भी पढ़ लिया और मान लेते हैं अब हम आईएएस भी दे सकते हैं। मैं कतई ये दावा नहीं करता हूं कि आप जो जीएस पढ़ रहे हैं इससे ये कह दें कि हाँ हम सिविल सर्विस में भी जो है मेंस भी निकाल लें। ये प्रिलिम्स के लेवल तक आपके लिए हेल्पफुल है, मेंस का अप्रोच और बदल जाएगा। तो ऐसे में हर एक एग्जाम का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है, वहां पर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं पेपर सेटर उसी स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो आप बेहतर रहेगा कि अगर फर्दर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस बैच को फॉलो करें, ठीक। हां, तो मैं ये कह रहा था कि आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप इसके लिए जो है वो यहां पर सभी देशों का नाम नोटबुक में लिखकर और उसके आगे राजधानी जरूर लिखिएगा। क्या पता पेपर में आ जाए टर्की की कैपिटल क्या, कतर की राजधानी क्या, इसराइल की राजधानी क्या है। तो अच्छा रहेगा, इस पर वर्क कर लीजिए और ये असाइनमेंट आपके लिए एटलस से आप खुद से कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्षेत्र मैंने बताया था दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए दीपक जी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग हैं या क्या है, मेरा काम है ईमानदारी से आपके लिए एफर्ट करना। और आपका उद्देश्य है कि सर अगर मैं 2 घंटे आपके लिए समय दे रहा हूं तो आप मुझे कुछ इस तरह की चीजें बताइए जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हो, मेरी तैयारी भी फाउंडेशन लेवल पर अच्छी हो और शुरुआत एक से भी हो जाए तो मैं मानता हूं चेन यहीं से बनती, मैं अगर अच्छा करूंगा तो अपने आप उसका परिणाम आएगा। अब मैंने पहले दिन ही कहा था कि भाई एंटरटेनमेंट इस क्लास में नहीं हो पाता है, बहुत सारे बच्चे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म खोजते हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस में, फ्री में बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल। तो अब आप कपिल शर्मा का शो देखने के लिए आए हैं तो निराश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए एक बहुत अटेंटिव मोड में तैयारी करने आए हैं तो पूरे 2 घंटे के लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा। तो मेरा बस प्रयास है अच्छा करना, बाकी आपका क्या अप्रिशिएशन होता है वो एक का भी है तो मेरे लिए बहुत बहुत मानूंगा कि कहीं ना कहीं बेहतर है या मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो आप हैं ये मेरे लिए बस बहुत प्रेरणादायक है, मैं आपके लिए भी करने के लिए तैयार हूं कि उसी स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ाया जाए जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया। तो मैटर नहीं करता है कि कितने लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारवां आगे बढ़ेगा, चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत देखिए यहां पे क्या है, फेसबुक पर भी कुछ लोग क्लासेस ले रहे हैं, कुछ यूट्यूब पर है, कुछ लर्निंग ऐप पर भी क्लासेस ले रहे हैं। हमारे ज्यादातर बच्चे वो भारतीय लर्निंग ऐप पर ही क्लासेस ले रहे हैं और क्योंकि मंडे से आपको जो क्लासेस मिल रही केवल लर्निंग ऐप पर मिलेंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग सिंह जी, ऑफलाइन क्लासेस में बैठने के लिए जगह कम पड़ती थी, ये बात सही कह रहे हैं। और यहां पर देखिए एक चीज और मैं बता दूं, अंतर आएगा अनुराग सिंह जी, ऑफलाइन बैचेस जो होते हैं उसमें एक ड्यूरेशन फिक्स रखना पड़ता है, यहां पर मुझे स्कोप मिल रहा है, मैं और डिटेल में कुछ चीजें आपके लिए कर सकता हूं। जैसे कुछ चीजें मैं डिटेल में जो लिखता हूं वहां पर बच्चों को लिखाना पड़ता था, डिक्टेट करना पड़ता, उसमें भी टाइम जाता, यहां मुझे डिक्टेशन नहीं करना पड़ रहा, टाइम बच रहा है, तो मैं आपको कुछ और चीजें फर्दर बताने वाला हूं, तो आगे आप देखेंगे। हां मंडे से आपकी क्लासेस YouTube पर नहीं चलेंगी या फिर Facebook पर नहीं चलेंगी, अब आपको ये डेमो कंप्लीट हो रहा है, आपको ये क्लासेस केवल लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, कोर्स परचेज कर लें और क्लासेस को कंटिन्यू रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, मैं देशों का नाम लिखूंगा आप अपने आप जो है वो समझ जाएंगे। यहां पर जैसे एक देश है मलेशिया, तो एटलस से ही आप समझ रहे होंगे कौन से क्षेत्र में मैं पहुंच गया। फिर इसके बाद एक देश है सिंगापुर, फिर इसी तरीके से म्यांमार भारत के पड़ोस में ही, फिर कंबोडिया,
इसी तरीके से लाओस, फिर वियतनाम, ठीक है, फिर इसी तरीके से फिलीपींस, फिर इसी तरीके से थाईलैंड, फिर इसी तरीके से ब्रुनेई, और फिर इसी तरीके से इंडोनेशिया। तो मैंने जब देशों के नाम ही आपके सामने लिख दिए तो यहां पर फर्क मिट गया कि कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, अपने आप समझ गए, क्योंकि ये सारे देश तो मैप पे देख ही रहे होंगे। तो साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या हुआ, यह बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहां एक चीज और, लगभग काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देशों के नाम मैंने मान लीजिए सामने लिख दिए। तो यहां पर फिर वही बात करने जा रहा हूं कि इन 10 देशों का भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी एक अंतर सरकारी संगठन है। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, दक्षिण एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, उसका क्या नाम, तो अनुराग सिंह राणा जी ने आंसर दिया सार्क। ऐसे फिर मेरा एक प्रश्न है, नहीं नहीं दीपक यादव जी, आपने जो मैसेज लिखा, सॉरी मत बोले, आपने अच्छी बात लिखी थी, आप सब मेरे बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं, और ऐसा नहीं है, आप कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब जुड़ते हैं, आपका प्रेम है कि आप चाहते हैं कि सर के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो दीपक जी, इसलिए मैंने नहीं ये बात कही कि आप उसको सॉरी के रूप में लें, आप मेरे छात्र हैं, हमारे आपके बीच में एक मित्रवत संबंध है, तो किसी बात पर मित्रों के बीच में, क्योंकि गुरु भी हूं तो मित्र भी हूं, मार्गदर्शक भी हूं, बड़ा भाई भी हूं हर तरीके से, और जब इस रूप में आप किसी को देखते हैं तो वहां पर क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप अपनी बातें बेझिझक यहां पर मेरे साथ कह सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपका प्रेम ही है कि आपने एक बात रखी कि सर आपके साथ मैं चाहता हूं ज्यादा लोग जुड़े, तो आपकी शुभकामनाएं, हो सकता है मेरे काम आ जाए। ठीक है, वो समय आएगा, कारवा जुड़ता जाएगा, इसलिए मैंने कहा। चलिए, मैंने जो प्रश्न पूछा, लेकिन दीपक जी आप भी उसका आंसर दीजिए, अनुराग सिंह जी फिर इसका आंसर आप दीजिए, सभी लोग आंसर दिया करिए जब मैं पूछूं। मैं कह रहा हूं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बताइए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, और यही होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी में नहीं है, मैं जोड़ के केवल पूछ ले रहा हूं कि इन 10 देशों का जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश है, इनका एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, इनका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही, अनुराग सिंह जी ने इसका भी आंसर सही दिया है, इसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसी का नाम है आसियान। देखिए अनुराग सिंह जी, आपने आसियान में स्पेलिंग गलत लिख दी थी, आपको देखते हुए मैं भी गलत लिखने जा रहा था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ASEAN नाम है। बाकी आंसर आपका सही है, क्योंकि वहां लिखना नहीं, आपको तो चार ऑप्शन मिलेगा, आपको बस ये है कि फैक्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्योंकि आपको वहां आंसर लिखना नहीं था, ऑप्शन मिलता सर अपने आप समझ जाते। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन उसका नाम है, आसियान उसका नाम है, और इस तरह से ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक आप कह सकते हैं रीजनल कोऑपरेशन का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद पूर्व एशिया को ले लें, ईस्ट एशिया, तो इससे तो आप वेल नोन है, बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो चीन, मंगोलिया का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आप डाल सकते हैं, मंगोलिया हालांकि सेंट्रल एशिया से भी लगा है, लेकिन चीन मंगोलिया दोनों रख लेता हूं, फिर इसमें जापान को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे इसमें नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, जोंग साहब का इलाका, और दक्षिण कोरिया भी जो है इसमें इंक्लूड है, इसी को कहते हैं पूर्व एशिया।
तो मैं देशों का नाम सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप एटलस से इसको अपने आप कंफर्म करते चले जाएं। फिर इसी तरीके से मैं अगर अब उत्तर एशिया की बात करूं, यानी नॉर्दर्न एशिया की बात करूं, ठीक है, तो इसमें आप क्या पाएंगे, नॉर्दर्न एशिया के अंतर्गत जो रूस का साइबेरियाई प्रदेश है, जो साइबेरिया का इलाका है, वो शामिल होता है। इसीलिए इसे साइबेरिया भी कहा जाता है। यानी रूस का जो सुदूर पूर्वी भाग है, जो फार मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्ट का इलाका है रूस का, वो भौगोलिक रूप से कहीं ना कहीं एशिया के अंतर्गत आता है। और इस तरीके से ये उत्तर एशिया का अधिकांश भाग है, इसीलिए इसको साइबेरिया भी कहते हैं। तो वैसे मैंने क्या कहा कि रूस अगर देखा जाए तो भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन रूस का जो पूर्वी सुदूर पूर्वी भाग है, साइबेरियाई प्रदेश है, वो एशिया के अंतर्गत आता है। और उत्तर एशिया का अधिकांश भाग यही है, इसीलिए इसको साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो एशिया के राजनीतिक प्रदेशों में ये पांच हो गए। और फिर इसके बाद जो है एक लास्ट है जिसकी अगर मैं बात करूं तो वो है मध्य एशिया। सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जैसे आप देखिए कंट्री है अजरबैजान, या कंट्री है आर्मेनिया, या इसी तरीके से कंट्री है जॉर्जिया, या फिर इसी तरीके से आप देखेंगे किर्गिस्तान, या फिर इसी तरीके से कजाकिस्तान, फिर इसी तरीके से तुर्कमेनिस्तान, फिर इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, फिर इसी तरीके से ताजिकिस्तान। यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये जितने तान हैं उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग जो है सारे तान वाली कंट्री इसके अंतर्गत आती हैं, सेंट्रल एशिया, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सब। यानी ये वही हिस्से हैं जो कभी रूस का ही पार्ट हुआ करते थे। 1991 से पहले रूस एक यूनियन था, बहुत बड़ा यूनियन। आज भी रूस भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र है एरिया में, लेकिन तब और भी बड़ा था, ये सब भी उसी के पार्ट थे, और पूर्व में उसका नाम यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन के नाम से जाना, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उसी सोवियत संघ के हिस्से थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, जब वो टूटा, डिवाइड हुआ, तो उससे तान निकले। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर मैप में एशिया में जितने तान आपको दिखाई दें, चाहे कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, या फिर इसके अलावा यूरोप से लगा हुआ क्षेत्र जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सब जो क्षेत्र है यही आते हैं मध्य एशिया के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर ये थे एशिया के राजनीतिक प्रदेश। तो आज बच्चों आपने एक बार फिर से एशिया के अक्षांशीय देशांतरीय अवस्थिति को देखा, एशिया के पड़ोस में क्या क्या उसके बारे में जाना, एशिया के राजनीतिक प्रदेशों के बारे में जाना। अब हम लोग एशिया की भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे, और इस तरह से एशिया महाद्वीप पर जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी वो आपसे शेयर हो जाएगी। तो आज चूंकि टाइम ओवर हो गया है तो मैं फिजिकल पोर्शन या फिजिकल फीचर्स के बारे में मंडे की क्लास से शुरुआत करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लास खत्म करने से पहले शेयर कर लूं। मंडे से मैं करंट अफेयर्स का सेशन भी स्टार्ट करूंगा, और मे भी उसकी टाइमिंग 9:30 से 10:30 होगी। 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको करंट अफेयर्स की क्लास फ्री में मिलेगी, जो YouTube, Facebook और भारतीय लर्निंग ऐप पर ऑलमोस्ट चलती रहेगी। हाँ रिजुल जी, आप क्या पूछ रहे हैं,
ठीक है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि कुल मिलाकर के आपको YouTube चैनल पर, Facebook पर, भारती लर्निंग ऐप पर, यहां पर करंट अफेयर्स की क्लासेस मंडे से रेगुलर मिलेंगी। उसका भी शेड्यूल आपको बताया था कि मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी और सैटरडे को मैं स्टैटिक जीके पर एक लेक्चर लिया करूंगा। इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखूंगा और बाकी जो जीएस का कोर एरिया है वो इस तरह से क्लासेस मंडे टू सैटरडे रेगुलर चलेंगी। तो अगले सप्ताह यानी सोमवार से हम लोग फिर ज्योग्राफी की क्लास में मिलेंगे। और कोई बात नहीं, जो भी हमारे पुराने छात्र हैं वो अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको एक ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है 50% का। जो नए छात्र हैं उनको भी एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो मंडे से आप लोग अगर क्लास में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो भारती लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और जीएस के इस फाउंडेशन लाइव बैच में जुड़े। तो आज के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी हार्दिक